Introduction about him. Dr. Bhalchandra Tambe, popularly known as Balaji Tambe, is a world-renowned Ayurveda practitioner, yoga expert, healing music composer, and a spiritual guide with an illustrious career spanning 4 decades. He did intensive work in gynecological health and garbha sanskar, and he has number of notable awards in his account. Within 5 minutes, we are going to start the session. I request you all to please settle down. And one more request, to please your mobile phones on silent mode. In 12th knowledge series session, organized in association with Chitnavis Center and SGR Knowledge Foundation, Raisoni Group. I request Mr. Ritesh Sankleja from Raisoni Group of Institution to please welcome Shri Guru Balaji Tambeji. From Chitnavis Center, I request Trustee Shri Vilas Kaleji to welcome Dr. Balaji Tambeji. Today's session is on Ayurveda, and Balaji Tambeji is the perfect person to speak on this topic, that what is science beyond this Ayurveda or behind this Ayurveda. I won't take much time of yours, and as we follow the technique to start our session on time, I request Balaji Tambeji to take the charge of the session. After the session, we will take only 5 questions. And accordingly, the session will wind up. Om Swarupaya Namaha, Om Shri Satgurave Namaha. Namaskar. मराठीत बोलतो आहे ना, हिंदीमध्ये बोलायचं आहे. हिंदी मराठी दोनों मिक्स तो आ जाएंगे तो कन्फ्युजन मेरा योग. सब मान्यवर, आपने जो प्रेम दिखाया है और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, अच्छा दिवस सर. नहीं, रॉन्ग नंबर चुकी. इसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ. और यहाँ पर एक आयुर्वेद जैसे विषय पर तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन एक थोड़ा आयुर्वेद से संबंधित जो विषय है संस्कार, उस पर भी बोलने की मेरी मनीषा है. आयुर्वेद पर तो बहुत सारा आप लोगों ने सुना ही होगा. आजकल अभी प्रदेश में भी विदेश में भी आयुर्वेद पर जब बोलने जाते हैं तो वात पित्त कफ और ये त्रिदोष और सप्त धातु इतने तक तो सबको मालूम ही रहता है. हेल्थ के बारे में, अपनी प्रकृति, अपना स्वास्थ्य जो है, इसके लिए बहुत ही जागरूक हो गए हैं. कितने जिम खुल गए हैं, कितने डाइटिशियन एडवाइस कर रहे हैं. इसका मतलब ही है कि हम बीमार ज़्यादा है ना. मतलब ये नहीं है कि स्वस्थ ही है. छोटा बड़ा मत करना, नहीं तो जजमेंट नहीं आता. तो ये जो आयुर्वेद पर बहुत सारी उत्सुकता है और ये दिखाता है कि हमारी सेहत अच्छी नहीं है, दवाई की बहुत सारी शाखाएं हैं,
दवाएं बहुत सारी प्रकार की मिलती है। खाने पान खान पान के बारे में तो रोज़ नया नया विचार आता है, और कोई ये कहता है ये करो वो करो, दो बार ही खाओ, लिक्विड डाइट ले लो, इस तरह से सब ये काम चालू है। लेकिन एक बात सही जानना ज़रूरी है कि ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, थोड़ा मोटापन हो या पेट बड़ा हो, सर्दी खांसी ऐसी कोई चीज़ें हैं, इसके लिए हमें डरने की बात नहीं है, वो तो आती जाती है। और जैसे आप सब जानते हैं कि कोई खांसी होगी तो दो दिन तीन दिन रहेगी और जाएगी बाद में। जो मेरी जो चिंता है वो इसलिए है कि विकार बढ़ रहे हैं, दिमाग के ब्रेन डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, और इसके लिए ना तो अभी तक कोई दवाएं निकली है, एलोपैथी में नहीं है, कहीं पर नहीं है। कोई कोई अभी जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारी होगी, या तो बोलते बोलते भूल जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर अभी बैठे बैठे उधर दो चार पॉइंट लिख के रखे थे, इसलिए नहीं कि मैं भूल जाऊँगा, लेकिन इसलिए कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कोई नोट होगी तो अच्छा है। तो हमारे व्यक्तित्व के भी बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ गई है। मतलब घर घर में जो एक दूसरे का तंटा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, घटस्फोट की बीमारी जो है वो बढ़ रही है, ये यही दर्शाती है कि ये सब दिमाग की बीमारियाँ हैं, और इसके लिए बहुत हम चिंतित हैं। और इसका जब विचार करते हैं तो दवाएँ नहीं हैं और कोई इलाज नहीं है। जैसे कि ऐसे है तो खाली राह देखना है कि जैसे ये आदमी पड़ा रहे तो पड़ा रहे, बाद में ये चले जाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसमें एक बात है कि संस्कार ये शब्द लिया है, ऐसे क्यों ये स्पीकर ऊपर नीचे क्यों होता है, बीच में ही बढ़ता है आवाज, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये संस्कार शब्द जो है वो हमने पूरा के पूरा निकाल दिया। हमारी क्या हो गई है कि जैसे 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 मनुष्य की धारणा वस्तु मात्र जो है, मतलब है पैसा या संपत्ति या हमारा शरीर, वो भी एक वस्तु है, तो यही सब कुछ है, ऐसे जब हो गया तो क्या हो गया, श्रद्धा टूट गई, और श्रद्धा टूटने से संस्कार पूरे चले गए। और जो संस्कार हमारे पास है वो कोई एक रीति रिवाज, ऐसे कोई एक जैसे परंपरा बोलते हैं, तो जैसे शादियां होती है या कोई वास्तु शांति होती है या ये सब जो चीज़ें हैं वो भी हमें अपने आप को ऐसे लगता है कि ये सब धार्मिक कर्मकांड क्या है, ये सब फालतू है, उससे कुछ फायदा नहीं, तो वो भी छूट गया है। इसका कारण एक ऐसे है कि एक ऐसी घटना हो गई कि हमारे न्यूटन साहब जो थे, उन्होंने न्यूटोनियन फिजिक्स का जब सिद्धांत लिखा तो ये सब मटेरियल पर आधारित था, पूरी के पूरा विज्ञान जो है वो मटेरियल पर था। और जैसे हम कहते हैं कि जो हम स्पर्श कर सकते हैं, देखते हैं, उतना ही समझते हैं, हमारी प्रज्ञा जो है वो हम बढ़ाने की कोशिश तो करते नहीं हैं। हम तो ऐसे कहेंगे कि मैंने देखा है तो देखा है, तो सपोज कोई चीज़ है वो पिताजी ने बताई आपको लड़के को, तो वो बोलेगा लेकिन मैंने नहीं देखी तो मैं कैसे विश्वास करूँ। तो एक व्यक्ति कुछ बताता है और वो भी पिता समान है, तो क्या वो ऐसे ही बताएगा? तो कोई विश्वास रखने के लिए भी हमारे पास मन हमारा शांत है नहीं। इसका कारण क्या है कि हमारा पूरा जो केंद्रित है वो मैथमेटिक्स जो है 2+2=4 इस पर बैठ गया, और न्यूटोनियन फिजिक्स जो है वो इतना गलत रास्ते पर सब समाज को, अपने हमारे देश में नहीं सभी देशों में ले गया है कि हमारे लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि दिमाग जो है
वो संस्कार से ही अच्छा होगा। दिमाग कभी भी दवा से अच्छा होगा नहीं। दिमाग के लिए कितनी बहुत सारी कम बीमारी दवाएँ रहती है, कोई दवा है तो एक ही है, बहुत सारी बीमारियों की दवा होती है सुला देना। डॉक्टर एक इंजेक्शन देंगे तो आदमी को सुला देंगे। हमारे एक बहुत बड़े मित्र है स्विट्ज़रलैंड में, वो मानसिक डॉक्टर है, तज्ञ है। उनको मैंने कहा कि रात एक दिन रात को वो जाना पड़ा था कहीं, तो बोले वो खिड़की में से कोई जंप मारने की कोशिश कर रहा था, घर वालों ने पकड़ के रखा था पेशेंट को। तो मैंने बोला फिर आपने क्या किया, तो बोले इंजेक्शन दे दिया। तो इंजेक्शन दे के वो आदमी को उसका जो व्यक्तिमत्व है वही नष्ट कर दिया। मतलब वो एक ऐसे जितना भी वजन होगा उसका एक गोला जैसे है शरीर का, वो बन गया। फिर उसको उठा के ला के गद्दी पर रख दो, एक दो दिन में उसकी उतरेगी जब दवा, तो वो फिर जागृत हो जाएगा। ये तो कोई दवा नहीं हुई, ये तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। तो इसके बाद विज्ञान को भी प्रॉब्लम आ गया। ऐसे नहीं है कि हमारे समाज में और हमारी सेहत के लिए प्रॉब्लम आए। तो विज्ञान के लिए प्रॉब्लम क्या हो गए कि विज्ञान ने भी, जैसे अणु विज्ञान के लिए आया आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन जी ने जिस पर जितना संशोधन किया, इसमें से एक पता चला कि आयुर्वेद का और हमारे वेदों का एक सिद्धांत है कि जो हमें दिखता है वो बहुत कम है, और जो न दिखता है वो इन्फिनिट है। मतलब जैसे है, बोलते ना कि जो आदमी कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, उसका मतलब है उसको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, और जो आदमी कहेगा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ और बहुत सारा मुझे सीखना है, तो उम्मीद है कि ये कुछ करेगा दुनिया के लिए। तो ये जो बात निकली, इससे एक पता चला कि हर एक वस्तु दिखती तो है नहीं, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वेदों ने ये जो सिद्धांत लिखा था, यही आइंस्टाइन के जब ये सब प्रयोग हो गए उसमें से सिद्ध हो गया। कि और दूसरा क्या हो गया कि जो परमाणु आया था, मैं तो उस पर एक ऐसे अपने आप को समझाने के लिए शब्द के साथ खेलते हुए मैं क्या कहता हूँ, परमाणु है तो परम एटम, तो उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो परमात्मा नहीं पढ़ते हैं। तो हम जिसको परमात्मा कहते थे वो उन्होंने इसको परम एटम कह दिया। उसका क्या डेफिनेशन, वो कोई उनको दिखाया नहीं है कहीं पर, ये तो मैथमेटिकली प्रूव किया है। और इसको ऐसे कि वो दिखता है नहीं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, वो हमारी इंद्रिय गम्य है नहीं, इंद्रिय गोचर है नहीं, ऐसी एक अवस्था है, लेकिन वो है ज़रूर। तो हम ऐसे ही भगवान को क्यों न माने कि जो है ज़रूर, दिखता नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब हमारे इंद्रियों के परे है, तो इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे तो नहीं है। और ये जो एक वस्तु है वो हमारे जीवन में फिर दोबारा जब आएगी तो हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय बढ़ेगा कि कुछ न कुछ सत्ता है। अब ये कौन सी सत्ता है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक वेव्स का अभी संशोधन बहुत सारा हुआ, और ऐसे इन्होंने कहा कि मैग्नेट की जो वेव्स होती है, ये इनका जो हमारे क्वांटम साइंस है उसमें वेव थ्योरी है पूरी, कि सब वेव मात्र है, सब तरंग मात्र है। तो ये जो वेव है हमारे ग्रेविटेशनल चुंबकत्व की, उसका भी वजन होता है, ऐसे इन्होंने अभी कुछ सिद्ध किया है या चल रहा है प्रयोग उसके ऊपर। दिखती है क्या उसका जो परिणाम दिखता है, कि हमको किसी ने कहा कि ये स्टेनलेस स्टील की थाली है वो एकदम प्योर स्टेनलेस स्टील है, तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट लेके देखेंगे। तो हमको ये विश्वास है कि ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जिसको नहीं पकड़ता है वो स्टील अच्छा है, पकड़ेगा तो ये भैया लोखंड का है, थाली तुम क्यों बेच रहे हमको। तो ये परिणाम मात्र से जो चीज़ें हमें दिखती है, तो आप सबको एक बात माननी पड़ेगी, जब आयुर्वेद आगे का हम बात करेंगे, थेरेपी की बात करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसके पहले कि हम सब जीवित हैं, हमारा जीवन चल रहा है किस आधार पर, प्राण नाम की एक कोई शक्ति है कि जो आज तक पता नहीं चला, प्राण क्या है, आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, क्यों आता है क्यों जाता है, ये तो एक फील्ड है।
एक बड़ा फील्ड है प्राण नाम का, और इस फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर यदि ठीक हो तो वो इंड्यूस हो जाता है प्राण, तो आदमी जीवित हो जाता है। जैसे मुंडी काट डालो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया तो वो टूट जाएगी, उसके कॉन्टैक्ट जो है प्राण से, तो मर जाता है आदमी। तो ये प्राण नाम की जो शक्ति है वो शक्ति कहाँ से तो आती होगी, कहीं पर होना चाहिए ना। तो ये जो परमात्मा जिसे हम कहते हैं, इसे परमात्मा का एक क्या साक्षित्व भाव है, उसको ही प्राण नाम दे दिया है, और वो व्याप्त है सब जगह पर। अभी इतने सारे लोग हम इस रूम में बैठे हैं तो प्राण की कुछ कमतरता नहीं है, थोड़ी हवा की कमतरता हो सकती है, लेकिन प्राण तो उतना ही है। और चार लोग बैठेंगे तो भी चलेगा, 40,000 बैठेंगे और कितनी भी पॉपुलेशन दुनिया की इतनी बड़ी है, लेकिन सब जीवित है, किसी को प्राण कम नहीं पड़ा। यहाँ पर तो इतने दिए लगाए हैं, वो ठीक अभी चल रहा है, बाजू वाले बिल्डिंग में सेम लाइट्स लगाएंगे तो हमारे डीम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, कंजम्पशन बढ़ता है तो सब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ऐसे प्राण का तो होता नहीं दिखता। तो ये जो प्राण शक्ति है, इस पर पूरा आयुर्वेद का आधार है। और ये प्राण शक्ति जो यदि हम स्वीकार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, इसको चलाने का लिए इसने प्रोग्राम ये है एक बड़ा, इसको करने के लिए कोई ना कोई तो है। अभी मेरा फ़ोन बज गया, अच्छा हुआ बजा तो मुझे अभी याद आया कि ये फ़ोन है। तो मैंने कभी अभी कहाँ से टावर है या नागपुर का वो देखा नहीं है, ये आइडिया नाम की या कोई दूसरी वोडाफोन नाम की क्या शक्ति है, कौन सी कंपनी है मुझे मालूम नहीं है, ये कैसे चलाते हैं मालूम नहीं है कुछ भी, फिर भी ये फ़ोन तो मेरा चलता है, तो कुछ ना कुछ होगा। और इसको मैं एक ऐप दबाता हूँ तो वो खुलता है ऐप है, मुझे रास्ता मालूम नहीं है तो मैंने टैक्सी के लिए दबाया तो रास्ता दिखाया यहाँ आने के लिए। तो ये जो बातें हैं, इसी तरह हमारा जीवन जो है और पूरा जो हम चल रहे हैं जीवन में, इसके पीछे कोई ना कोई सत्ता है। आप कहेंगे कि ये क्या है, आयुर्वेद है कि आप क्या बोल रहे हो, इसका एक हेतु है दूसरा, कि बीमारियों का यहाँ पर हमारे आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। देखिए क्या है कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपनम। ये जो प्रज्ञापराध क्या है, प्रज्ञा सब जो ऐसे हमें ज्ञान है, वो ज्ञान का परम ज्ञान करते करते एक प्रज्ञा बन जाती है, मतलब है हमारा पूरा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, और चेतना से हमारी जो समझ है, ये समझ पूरी के पूरी काम करेगी और एक दिशा, जैसे आदमी को मैं सामने से देखता हूँ तो सिर्फ आगे की बात दिखती है, पीछे वाला भाग नहीं दिखता किसी का। तो प्रज्ञा है वो सम्यक देखती है, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को, पूरे के पूरे मनुष्य को, पूरे की पूरी सत्ता को ये प्रज्ञा देखती है। तो ये प्रज्ञा में अपराध होता है, मतलब क्या है कि हम गलत चल रहे हैं, होगा ना, प्रज्ञापराध मतलब गलत चलना। तो हमारा कर्म गलत अशुभम कर्म, तो अशुभ क्या है, शुभ क्या है, एक सीधी व्याख्या है, ये शुभ शुभ इनका शुभ लाभ वगैरह लिखते हैं वो छोड़िए। शुभ का मतलब है प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला, और अशुभ जो है वो प्राण शक्ति को तोड़ने वाला, ह्रास करने वाला, क्योंकि वो मृत्यु के समान है। मृत्यु से अशुभ और कुछ है क्या? फिर भी हम तो ऐसे कहेंगे कि अगला जन्म है और ये सब है, वो बराबर है, लेकिन अभी जो चालू इंस्ट्रूमेंट है वो तो चलने दो, पानी में पड़ गया और दूसरा मिलेगा ऐसे समझ दिया, लेकिन दूसरा क्या फुकट में मिलेगा क्या? दूसरा जन्म भी मिलेगा तो फुकट में मिलने वाला नहीं है, नया इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो उतनी कीमत तो देनी ही पड़ेगी। तो ये कहने का मतलब ऐसे है कि हमारा जो जीवन का प्रवाह है, उसके हमारे जो कर्म मतलब हम जो व्यवहार है हमारा, वो बिगड़ गया है, और ये व्यवहार बिगड़ गया है इससे बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आती है। तो जिसको स्वस्थ रहना है उसको ये देखना है कि मैं कैसे गलतियाँ कर रहा हूँ, तो गलती कौन सी है और अच्छा कौन सा, जो निसर्ग के और प्राण शक्ति को बढ़ाने वाला है और जो निसर्ग के नियमों के अनुसार है वो सब अच्छा है, और उसके विरुद्ध में जो चलेगा
वो खराब है। जैसे सूरज उग गया तो हम उठते नहीं हैं, वो अशुभम कर्म, तो बीमारी आएगी। वो किसी को, कोई साधु संत महात्मा होंगे, कोई बहुत बड़े पुरुष होंगे, या कोई एकदम साइंटिस्ट है, कोई बड़ा डॉक्टर है, उसको भी हार्ट अटैक तो आएगा ही, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अशुभ कर्म किया है। तो दोष प्रकोपनम, मतलब ये वात पित्त कफादि दोष जो है वो बढ़ेंगे और ये बिगड़ जाएंगे और इसमें से बीमारियां आती है। ये जो बात है इसको संस्कार से ही ठीक हो सकता है, इसलिए आयुर्वेद तो एक संस्कार का शास्त्र है पूरा। आयुर्वेद हम लोग दवा देते हैं तो लोग पूछते हैं, पहले तो लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास एड्स के लिए आयुर्वेद में तो कोई रेफरेंस है क्या? नाम देने से कोई बीमारी हटती नहीं और नाम देने से बीमारी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आयुर्वेद ने ऐसे नाम दे के नहीं रखे हैं। तो हम जो पेशेंट आता है उसको दोष धातु के, मतलब उसके जो सप्त धातु है, हमारा रस है शरीर का, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, वीर्य है, ओज है, ये सब जो है वो ठीक है कि नहीं, किसमें दोष आता है, या वात मतलब हमारी ग्रेविटी, पृथ्वी के साथ व्यवहार हमारा ठीक है क्या, वो कफ है, हमारा अग्नि के साथ व्यवहार ठीक है क्या, तो पित्त है, और हमारा चलन वलन ठीक है क्या, ऐसे 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 हिलता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो काम नहीं करने देगा कुछ भी, तो ये मतलब है वो हिलन चलन ठीक नहीं है, तो वात विकार है, वात इम्बैलेंस है। तो ये ढूंढ के इसके ऊपर दवा करनी है। तो हम क्या करते हैं आयुर्वेद में, देखिए पेड़ के पास जाते हैं कोई एक विशेष दिन पर, नक्षत्र पर, और कहते हैं कि ये फला अमुक अमुक व्यक्ति है, इनको ये बड़ा रोग हुआ है और इसकी सामान्य दवा से काम होगा नहीं, तुम्हारी जो छाल है, तुम्हारे जो कोई मूल है, तुम्हारे फल आदि पंचांग जो है पूरे, वो मैं निकाल के ले जाऊँगा और कल मुझे परवानगी देना कि तुमको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये आदमी को हमें ठीक करना है। कोई कहेगा कि अभी ये आजकल तो अभी हमारे यहाँ ही ऐसे कहेंगे, परदेश में एक अच्छा है कि नए सर से आने से वो एकदम विश्वास में ले रहे वो लोग, तो पेड़ के पास जाके प्रार्थना करूँगा तो आप बोलेंगे अरे क्या पागल हो क्या, पेड़ के साथ क्या बात कर रहे हो। लेकिन पेड़ जो है वो हमारी सबसे अधिक उत्तम देन है और पेड़ जो है उस पर ही हमारा जीवन है, बिना पेड़ का जीवन नहीं है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, पेड़ किसकी किसका प्रतिनिधित्व करता है आप कुछ बता सकते हैं? मैं बीच में आपको सोचने के लिए देता हूँ ताकि मैं घुटड़ा पानी का पी लूँ। नहीं है कुछ भी बताइए, ऐसे कुछ नहीं, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। किसका है? जो पेड़ है वो सूर्य की संपत्ति है, मतलब वो सूर्य ही है, वो कंडेंस होके हमारे पास आया है। हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, आरोग्यम भास्करात इच्छेत, आपको आरोग्य चाहिए तो सूरज ही देगा, सूर्य से ही आरोग्य मिलेगा, क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आती है उससे चलन वलन बढ़ता है, हवा चलती है, और हवा चलने, अब देखिए सिर्फ गर्म कीजिए किसी चीज़ को, यहाँ थोड़ी गर्मी करो तो हवा चलने लगेगी, या बाहर ठंडी होगी और अंदर गर्म होगा तो आप देखेंगे कैसे प्रवाह चलता है हवा का। तो और हवा चलेगी तो प्राण उसके ऊपर आरूढ़ होके हमारे पास आ सकता है। आप सब लोग सूर्य प्रकाश में बैठते हो? एक आध दो तो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं दुर्भाग्य क्यों है, छोड़िए गवर्नमेंट हमको मेट्रो देगी, सस्ते में पेट्रोल देगी, लेकिन तुम रहोगे नहीं तो पेट्रोल का क्या करना है। सूरज जो भगवान है वो आयु देने वाला है, लंबी आयु सूरज ही देगा। रोज सूर्य का दर्शन और सूर्य प्रकाश में 5-10 मिनट बैठने से आपको मिला, और सूर्य में नहीं बैठ सके तो फिर क्या करना, वृक्ष के नीचे 15 मिनट बैठना, वो सूर्य की ऊर्जा जो उसने ली हुई है वो आपको
चार्ज करेगा। तो ये आरोग्यम भास्करात इच्छेत, तो पूरे वृक्ष है वो ज्ञानी सबसे ज़्यादा है। आपको मालूम नहीं होगा कि आज तक दुनिया में इतने प्रयोग हुए बड़े बड़े, कहाँ चाबी तो मंगल पर वस्ती करने की बात चल रही है, और क्या क्या विज्ञान ने तो ऐसी प्रगति, लोग बोलते हैं कि मनुष्य ने प्रगति की, मेरे मनुष्य ने बिल्कुल प्रगति की नहीं है, मुझे ना तो सींग आए ना चार हाथ आए, हमारी वैसे न वैसे ही मनुष्य है। प्रगति मटेरियल की हुई है, मटेरियलिस्टिक की प्रगति, बाहर जो प्रगति विमान उड़ रहा है उसमें हमारा कुछ नहीं है, वो विमान उड़ रहा है। तो ये जो प्रगति बहुत सारी बाहर चल रही है या हो रही है, इसमें मनुष्य का कुछ नहीं है। ज्ञान ऐसा जो सचमुच का ज्ञान है वो कौन सा होगा? प्राणायाम का, प्राण शक्ति का आकर्षण और प्राण शक्ति को बढ़ाने की कला, वो प्राणायाम है, वो ज्ञान है, क्योंकि वो उससे हमें जीवित मिलेगा, और जीवन मिलेगा तो प्रज्ञा बढ़ेगी, हमारी साक्षित्व भाव बढ़ेगा और हम निरोगी बन जाएंगे। तो वो तो हमें है नहीं। और एक बहुत बड़ा ध्यान, किसी ने मुझे कहा कि वो टावर देखते हो कितने माले का है, वो मेरी डिज़ाइन है। तो रहते तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो ज़रा ऊपर जाने से मुझे चक्कर आती है, तुम्हारा बिल्डिंग ऊंचा बनाया और तुमको चक्कर आती है, फायदा क्या है? ये बात ध्यान में रखने जैसी है कि जो पेड़ है वो ज्ञानी है। कैसे ज्ञानी है? कि वो सामान्य जो पंचमहाभूत जो है, इसमें पृथ्वी है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब जो तत्व है, इसमें से ये सामान्य जो तत्व है, मिट्टी, गोबर, और ऐसे कोई गोबर जैसी सड़ी हुई चीज़, और ये डालो अंदर पानी, और इसमें से एक गुलाब का फूल बनाना, इसमें से एक एप्पल बनाना, इसमें से गेहूँ बनाना, जो हमारे लिए पूरा जीवन है, क्योंकि अन्नात भवंति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव है। तो अन्नात भवंति भूतान, जब मेरा अन्न ही पेड़ बनाते हैं, पेड़ मतलब सभी पेड़ पे पौधे, हरियाली से लेकर के बड़े बड़ के बनियान ट्री के तक, सब जो पेड़ है वो सब बड़े ज्ञानी हैं। वो कैसे सूर्य की शक्ति स्टोर करते हैं, वो बैटरी चार्ज कर लेते हैं ना, अंदर ये जो क्लोरोफिल उनके पास है उससे वो ले लेते हैं। तो ये पेड़ की प्रार्थना या पेड़ के नीचे बैठने से हमारे ऊर्जा में, आरोग्य में फर्क आएगा। कितनी भी अच्छी दवा ले लो, लेकिन घर के बाहर ही नहीं पड़ते हैं। आजकल तो सब चारे खिड़कियाँ बंद, ऑफिसेस भी पूरे एयर कंडीशनड है, सूरज दिखता ही नहीं दिन दिन में, और सुबह जल्दी या कहीं 9 बजे आए, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में काली कांच लगाई हुई है, वहाँ भी सूरज को आने नहीं देते। आप प्राण शक्ति को सब जगह पे बंद करके रखा है, और आपको चाहिए आरोग्य, कैसे मिलेगा? और फिर आप कितना भी व्यस्त हो, लोग बोलते हैं कि बालाजी हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाओ, तो बोला कि तुम स्ट्रेस मैनेजमेंट के पहले समय मैनेजमेंट सीखो। टाइम तो दो, कुछ जो सबसे अधिक कीमती है तुमको 100 साल जीने के लिए दिया है, वो सबसे कीमती है टाइम। बाकी दूसरी तो चीज़ें हैं, कोई बोले कि कितनी मेरी संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, हर एक संपत्ति जिनकी जिनकी थी, वो बड़े से बड़े लोगों हैं, उनके जाने के बाद वो संपत्ति का कचरा हो गया, और वो थे तभी भी कचरा हो गया, अभी झगड़े चालू है दो भाइयों में और बाप को कुछ दे नहीं रहे। तो कहने का मैं, संपत्ति खराब नहीं है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आगे आता है। तो ये आरोग्यम भास्करात इच्छेत, तो हम पेड़ के पास जाके प्रार्थना करेंगे तो पेड़ समझता है, उसको ये ज्ञान जो है जो किसी को नहीं है दुनिया में, तो ये हमारा बात सुनने का ज्ञान नहीं है क्या उसके पास? तभी भारतीय शास्त्रों ने हमको पेड़ की पूजा, अभी अभी तुलसी का लग्न हो गया, मैरिज किया ना, क्या होता होगा तुलसी मैरिज वगैरह, जैसो आमले की जो वृक्ष होता है आमले का, उसको उसके नीचे बैठने से उसकी जो छाया और उसका जो वाइब्रेशन है, उससे हमारी चेतना जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो जागृत होती है, और रसभाव बढ़ता है शरीर का, रसात्मक जीवन है। रस तो पहले चाहिए ना शरीर में, तो रस चला जाएगा मतलब प्राण जाते जाते पूरा रस निकाल देगा, सॉलिड करेगा पूरा, कफ कंठ में बैठ जाएगा। तो ये सूर्य का सब प्रभाव है। दूसरा है आरोग्यम भास्करात इच्छे,
तो एक ही आरोग्य होगा क्या? शरीर हमारा सब कुछ है नहीं, इसलिए क्या समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, ऐसे कहा कि पहले जो है समदोषा समाग्नि समधातु मल ये सब मटेरियल है, दूसरे प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, तो मन है आत्मा है वो प्रसन्न होगा उसको ही आरोग्य कहते हैं, क्योंकि वो तो बिगड़ता है, साइकोसोमेटिक डिसीज़ है वो सब ने पढ़ा होगा कि, और जैसे उदास आदमी रोज बैठता है तो डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा तो ब्रेन में और कोई अटैक आ जाएगा, या तो नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगी, पेशाब अटक जाएगा, सब तरह की बीमारी आ जाएगी। हंसता खेलता आदमी जो है वो थोड़ी कम ताकत, विटामिन कम भी होगा तो भी वो उछल कूद करके जी लेगा और वो बढ़ेगी उसकी ऊर्जा। ये आरोग्यम भास्करात इच्छेत, ये इसके करके करने के बाद जो है हम समझते हैं कि आरोग्य यानी इतना ही है, उसके बाद है चार प्रकार का आरोग्य है। धनमिच्छेत हुताशनात्, धन का मतलब क्या है? तो धन का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, जितना भी मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि एक सेंटर बनाना है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट करनी है, खड़ी करनी है, तो इसके लिए चाहिए, या तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है उसके लिए चाहिए, या तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, पानी नहीं है हमारे गांव में, उसके लिए दो कुएं खोदना चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को धन कहा है, वो धन का आरोग्य भी जिसके पास नहीं है वो फिर बीमारी में चला जाएगा। धनमिच्छेत उदासनात् आरोग्यम भास्कराते धनमिच्छेत उदासनात्, तो किससे मिलेगा धन? अग्नि से। अग्नि है, बहुत सारे लोगों को कब्ज की शिकायत है, पचन कम है, वो बिल्कुल पचता नहीं है, अग्नि शरीर का जो है, और अग्नि का हर आयुर्वेद में हार्मोनल सिस्टम जो है वो अग्नि में आती है हमारी, तो हार्मोनल सिस्टम की इतनी बीमारियां बढ़ रही है क्योंकि हमारी अग्नि उपासना चली गई। जहाँ जहाँ पर एक व्यक्ति ने एक दिन में कम से कम लाइट दिया लगा के 10 मिनट देखना चाहिए। हमारे एक बड़े पब्लिशर है दुनिया भर के, रैंडम हाउस, उनके पास मुझे बुलाया था कि आप हमारे लिए एक पुस्तक लिखो, तो आपके मन में क्या विचार है, कौन से विषय पर लिखोगे, 2-4 हमें सजेशन दीजिए। 8-10 उनके डायरेक्टर वगैरह एडिटर बैठे थे, उनको मैंने एक योगा पर कहा, एक ये कहा वो कहा, और एक ये कहा कि एक ऐसे पुस्तक है कम्युनिकेशन विद द सेल्फ, अपने आप से हम संभाषण कर सके, और एक सोम योग जो है कि जो हमें पूरा आरोग्य दे, तो उस पर एक पुस्तक लिख सकते हैं। तो सब बाद में 3 पुस्तक के बाद उन्होंने कहा कि हमके ये पुस्तक लिख के दो। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मेडिटेशन टाइप का बुक है, और इसमें मैंने 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को ज्योति ध्यान की बात की है, कि जिसको भी संपत्ति चाहिए, जिसको कोई अड़चन है इंफ्रास्ट्रक्चरल, और कोई भी है शरीर का हार्मोनल सिस्टम बड़ा ठीक नहीं है, थायराइड की हो या दूसरे कोई भी हार्मोन्स हो, तो उसके लिए 10 मिनट ज्योति ध्यान सुबह सुबह, आप यदि सूर्योदय के समय उठते हैं तो सूर्य ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो जमेगा नहीं, और रोज़ सूरज तो अलग अलग टाइम में उठता है उगता है, तो एक बात कर सकते हैं कि आप ज्योति पर जो दिया है वो लगा के 10 मिनट देखिए। तो मैं बोला ऐसा सब ये ले रहे हैं और ये यूरोप में चलेगा पुस्तक, और ये बोल रहे हैं, तो इसमें आगे भी है मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने कहा ओके, इस पर लिख के दे देता हूँ। पुस्तक लिखा मैंने कम्युनिकेशन विद द सेल्फ इंग्लिश में, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करने में जर्मन में करना था उनको, तो उसका ट्रांसलेशन करके वो पुस्तक पब्लिश हुआ, तो 3 महीने में 5,000 कॉपीज बिक गई। तो मुझे आश्चर्य लगा कि लोगों का जजमेंट देखो, कि आज समाज में क्या चाहिए वो ये ब्रैंडम हाउस जैसे जो पब्लिशिंग हाउस है वो जानते हैं, तो एग्जैक्टली वही उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद जो है वो मैं कितने दिनों से उनके पीछे था कि गर्भ संस्कार यहाँ चाहिए, बच्चे आपके रिवॉल्वर लेके शूट क्या करते हैं, दारू सिगरेट के व्यसन में बचपन में ही आ जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं और मारामारी करते हैं, वह क्लास में निकाल देते बच्चे को कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
नॉटी है, उसको जरा दूसरा रखो। तो इनको बच्चे अच्छे जन्म लेंगे तो ही काम अच्छा होगा। तो मैंने कहा कि गर्भ संस्कार हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल हुआ है और 6000 बच्चों का रिकॉर्ड हमने सब चेक करके इसमें एक्स्ट्रा माइलस्टोन, एडवांस माइलस्टोन्स और एक्स्ट्रा एबिलिटीज आती है वो सिद्ध हुआ है। तो ये गर्भ संस्कार और हमारे मराठी आवृत्ति 5 सकाळ का पब्लिकेशन है ना गर्भ संस्कार, तो 5 लाख से ऊपर मराठी आवृत्ति गई है, जर्मन इंग्लिश आवृत्ति गई है, गुजराती आवृत्ति बहुत चली है। तो क्यों ना आप ये ले, तो नहीं लिया था। जब ये 5000 कॉपीज गई तो मुझे बुलाया कि बोले गर्भ संस्कार भी अभी हमें करके दे दो, लेकिन तुम्हारा इंग्लिश का गर्भ संस्कार भारतीयों के लिए लिखा है, यूरोपियंस के लिए, क्योंकि दुनिया में भारत का सब संस्कार और उनकी सब धारणाएँ होती नहीं है, थोड़ी धारणा अलग है, तो बाकी तो पुस्तक वही रहेगा, तो दे दो। क्योंकि गर्भ संस्कार की बहुत आवश्यकता है, ये संस्कार के लिए बात आपको बताता रहा हूँ। तीसरा है ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात, ये जो जनता जनार्दन है, ज्ञान तो 4 लोगों में होता है ना, बोलते हैं ना पंचायत, 5 लोग बैठते हैं तो चर्चा करके कुछ निकाल लेते हैं, तो वहाँ से ही ज्ञान मिलने वाला है और शांति, और जो ज्ञान से शांति मिलने वाली है वो जनता जनार्दन की सेवा से। जब तक आदमी समाज के साथ मेलजोल में नहीं बैठ सकता तब तक उसका आरोग्य है नहीं, वो मानसिक आरोग्य है। कोई आपको पूछेगा कि तुम्हारा मन निरोगी है, टेस्ट है क्या कोई? IQ वगैरह देखते हैं लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मन की कैसे परीक्षा करें? एक सवाल पूछे कि आपको कितने मित्र हैं, मतलब कितने मित्रों को आप बर्थडे पर प्रेजेंट भेजते हो, कितने लोग आपको प्रेजेंट देते हो, उसका कोई सवाल नहीं है, वो उनका मन स्वास्थ्य है। तुम्हारे हाथ से तुम कितने मित्र, किसके साथ तुम्हारी बनती है? हमारी तो हमारे पत्नी के साथ ही नहीं बनती, जिसके साथ हमने सौगंध लिए कि हम साथ फेरे लेके अभी जिंदगी भर हम एक साथ एक विचार से रहेंगे, उनसे नहीं बनती तो दूसरे। ये मानसिक रोग है। और चौथा है मोक्षम इच्छेत, उल्टा चाले पुनः म्हणतो म्हणजे बरोबर येईल, आरोग्य भास्करात इच्छेत, धनम इच्छेत हुताशनात, ध्यानम महेश्वरात इच्छेत, मोक्षम इच्छेत जनार्दनात, राईट। सो परम शांति जो है वो समाज के साथ रहने से ही मिलेगी, तब तक मन सिद्ध नहीं होगा। तो ये हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आरोग्य की बात इस तरह से करने के लिए, जब हमने हमारे यहाँ सेंटर में पंचकर्म शुरू किया था एक 1973 में, एक कैंसर का पेशेंट मैंने पहले पंचकर्म शुरू किया तब किया था, तब मैंने उसको सैनिटरी हाउस में रखा था, मेरे घर में नहीं था। तब से आज तक हमने कहा कि जो पंचकर्म है वो कोई मसाज नहीं है, वो कोई शिरोधारा नहीं है, वो कोई ऐसे बस्ती नहीं है, पंचकर्म है वो तो 5 कर्म क्यों दिए हैं कि हमारी सभी आरोग्य की अवस्थाएं चारों सिद्ध हो। इसके लिए योग शक्ति जो है, योग जो आसन करते हैं, हमारे यहाँ योगासन करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, या मुझे आपके फेसेस देख के ऐसे लगता है कि तेज दिखता है तो योग करते होंगे। योगासन जो है वो शरीर की हार्मोनल सिस्टम के लिए, कोई व्यायाम दुनिया में नहीं है, कोई भी व्यायाम नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, मैं दुनिया भर के घूम के अनेक साइंटिस्ट और लोगों से पूछ के, आप साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी करो, हार्मोनल सिस्टम ठीक रखनी हो तो योगासन ही करने पड़ेंगे और प्राणायाम ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज। और जिनको कोई योग के हार्मोन्स की तकलीफ़ है वो एक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जो आसन है वो करें, और उसके अंदर व्याघ्र मुद्रा, अजगरी प्राणायाम, अजगरी मुद्रा, और इस तरह से कम जो है बंद करें, जालंधर बंद करें, तो इससे ही हॉर्मोन्स के ठीक हो सकते हैं। हॉर्मोन की दवा है नहीं, थायरॉक्सिन लेके हम चलाएंगे तो लगता है कि अब मेरा हॉर्मोन का बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, वो बाकी का बिगाड़ रहा है शरीर को, और वो आहिस्ता आहिस्ता दिखता भी है, वैसे उससे मानो के ब्लड प्रेशर ख़राब है तो भी वो
वैसे ही जाएगा। तो पंचकर्म में योगासन पहला चाहिए, फिर हमारे संस्कार के लिए और हमारे दिमाग के लिए मंत्र शक्ति जो है वो पूरी हमारी। आपको ऐसे लगता होगा कि इतने बड़े चार वेद और ये सब ऐसे फालतू में किसी ने लिख के रखे होंगे, और फालतू में रखी हुई चीज़ है वो हम हर एक दशहरे को घर साफ करते हैं तो फेंक देते हैं, तो क्या समाज ने इतने सालों से वो वेद जो है संरक्षण किया होगा? और हम बोलते हैं कि वेद अपना रक्षण करना जानते हैं, हमारे भारत पर इतने आक्रमण हुए और बहुत सारे ग्रंथ जला दिए, बहुत सारे वेद विद्या जानने वालों को जान से मार दिया, लेकिन फिर भी वेद है, वेदों ने अपना ही संरक्षण कर लिया है, वो ऐसे ही होगा क्या वेद? तो ये जो वेद वाङ्मय है इसे थेरेपेटिक सिस्टम है। आपको यदि ठीक मेमोरी अच्छी चाहिए, आजकल आप भूलते ज़्यादा है, सिरदर्द ज़्यादा रहता है, तो आपको अथर्वशीर्ष नाम का जो गणपति का सूक्त है वो काम आएगा। उसके अंदर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन शारीरिक है, वो हमारे शरीर में जो हमारी चिप है उसके साथ हमें संबंध है। हमें बाहर कहाँ गणपति होंगे, वहाँ कैलाश पर हो या कूड़े वैकुंठ लोक में, उनका हमारे साथ, जैसे मैंने कहा ना वो टावर कहाँ है और सेटेलाइट कहाँ है, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो अपने किस्से में जो फोन है उसके साथ संबंध है ना। तो मंत्र शक्ति बहुत है, तो हम क्या करते हैं रोज सुबह आधा घंटा सब पेशेंट्स को मंत्र सुनाते हैं कि इससे जो जनरल हेल्थ है और जो समझने के बाहर है, क्योंकि एक तरंग शक्ति है, मंत्रों में तरंग है, इसी तरह सुगंध है। लेकिन आजकल क्या हो गया, बहुत सारे सुगंध सब केमिकल आ गए, अगरबत्तियाँ सब केमिकल हो गई, तो इससे सिरदर्द होता है, सांस की बीमारियाँ, छाती की बीमारियाँ, लंग्स की आती जाती है। आपको मृत्युंजय मंत्र मालूम है, सुना होगा ना, ऐसा कुछ है पता है ना, मृत्युंजय त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यौवनात् मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध जो है वो राक्षस शक्ति को, वायरस को, मृत्यु को पीछे हटाता है। तो ये जो सुगंध है वो इसलिए, पहले देखिए, पहले ने आज भी हमारे जितने पारसी मित्र मुझे मालूम है उनके घर में 24 घंटे नंदादीप जलता है, दिया जलता है, वो लोग सुबह शाम घर में धूप करते हैं, मुस्लिम है वो भी करते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में करते हैं, हमने ही बंद कर दिया है। ये जो धूप है ना इतनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आगमार्थन तो देवानाम, वो तो भगवान को बुलाने के लिए धूप की व्यवस्था है, तो दुष्ट शक्ति को परावृत करते हैं। स्त्री रोग जो है वो हमारे यहाँ मैंने धूप की दवाई बनाई है, इससे अच्छे होते हैं। फिर बच्चों को जो ब्रोंकाइटिस या शुरू में लंग्स के बचपन से ही प्रॉब्लम होते हैं, वो सब धुएं से ही ठीक होते हैं। लोग कहेंगे कि धुएं से तो उल्टा लंग्स खराब होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो और इसमें सुगंध, वनस्पति सुगंध चाहिए, और पूरा के पूरा इसेंशियल ऑयल वनस्पति का चाहिए, अत्तर होगा, कोई सिंथेटिक वस्तु अंदर जलनी नहीं चाहिए। ये सिंथेटिक वस्तु ने बहुत सारी नुकसान और बीमारियां लाई है। तो ये जो मंत्र शक्ति है उसका कराते हैं, फिर सब थेरेपीज तो है ही, मतलब पूरी के पूरी जितनी, और अलग अलग पेशेंट्स के लिए अलग अलग डिज़ाइन करनी पड़ती है। और शाम को जो है वो सामुदायिक प्रार्थना होती है, सामुदायिक प्रार्थना, समुदाय की शक्ति। हमारे विनोबा जी भावे ने इसके ऊपर बहुत सारा लिख के रखा है और वो प्रयोग भी किए हुए हैं। तो ये जो सामुदायिक शक्ति जो है इसके लिए शाम को एकत्रित सब पेशेंट्स को, स्टाफ को, डॉक्टर्स को बिठा के प्रार्थना करते हैं। आरोग्य की कल्पना जो है वो सम्यक और होलिस्टिक, सबको, सब शरीर का, सब हमारा अस्तित्व निरोगी होना चाहिए, इसलिए आरोग्य की आवश्यकता है। और ये संकल्पना आपके सामने जहाँ मुख्यतः रखने के लिए मैंने आज प्रयास किया है। खाने पीने के लिए मैं अभी थोड़ी थोड़ी कोई सूचना आपको दूंगा, या आपके सवाल आएंगे तब डायरेक्ट जो रोगों के बारे में, डायरेक्टली आयुर्वेद के बारे में सवाल आएंगे उसके जवाब में विषय आ जाएगा।
अभी जो 15 मिनट बाद जो मेरे पास बाकी है उसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे हमारे अनुभव की बात है। पहले तो विषय है खान पान, जैसे मैंने कहा ना अन्नात भवन्ति भूतानि, तो अन्न जो है वो ही हमारा अस्तित्व है। वो हमने क्या किया है कि अन्न को जीवा से जोड़ दिया, टेस्ट है अच्छी और मुझे अच्छा लगता है। किसी ने मुझे कहा कि मैं ये नहीं पीता, वो मुझे अच्छा, मैंने कैसे तुम्हारे तुमने जस्ता नहीं मेरे शरीर को, तो मैंने कहा कभी तुमने लिया और उल्टी हुई थी क्या, तो वो तुमको जस्ता नहीं है, ये तो मानसिक है सब। हमारे यहाँ एक ब्राह्मण बुलाए थे खाने के लिए, तो उनको सर्व किया था पालक का भाजी, तो उन्होंने खाया, बोले कि मैं ऐसे तो जो आड़ू होता है ना क्या अरबी, तो अरबी के सब्जी वो खाते हैं, तो बोले मैं अरबी की सब्जी रोज नहीं खाता, आज खा ली है, तो बोले अरबी की नहीं वो पालक की है। आधी तो हमारी कोई जान ही नहीं, हमारे पहचान ही नहीं रही वस्तुओं में। और जब स्त्रियां जाती है कि राइस लेने के लिए या कोई खरीदने जाता है, आजकल तो अभी सब इंटरनेट से राइस घर में आ रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इंटरनेट ख़राब नहीं है, लेकिन आपको आपको मालूम होना चाहिए कि घर में कौन सा, और मैं कौन सा राइस ले रही हूँ जो हमें पचेगा कि नहीं। सब राइस सबको पचता है क्या? नहीं पचता। उसको बनाने का तरीका हर एक का अलग अलग है, आपको मालूम होगा सबको। यहाँ तो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि इतने सारे लोग और गृहणियाँ बहुत है, एक्सपर्ट हो गए खाने में। वराड़ी खाना मैं कल खा के आया था। तो ये राइस में क्या है, 2 गुना पानी, 4 गुना पानी, 6 गुना पानी, पानी निकालना, रोस्टेड राइस। पर एक जनरल सूचना आपको देता हूँ, गेहूँ आटा आप लाते होंगे तो आटा, गेहूँ लाते होंगे तो गेहूँ, राइस ये उसको रोस्टिंग किए बिना यूज़ नहीं करना। आपको आरोग्य चाहिए तो एक बात ध्यान रखिए, थोड़ी सी आपको भी मेहनत और थोड़ा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। आप दवा के ऊपर बहुत भरोसा मत रखिए कि मेरे पास आते हैं बोला कि ये क्या है, हमको काम पे लगा के रखा है तुमने, रोज़ तुम गलत चीज़ें खाते हो और मेरे पास आते हो, थोड़ा सुधरो ना तो तुम्हारे खुद का आरोग्य ठीक हो जाएगा। गेहूं को चावल को रोस्ट कर लेना कभी भी, और नहीं तो आटा रोस्ट करके लेना, और राइस में से जब भी आप है तो मानो कि 3 गुना पानी वाला राइस है, ऐसे है ना, मालूम होगा आपको कि राइस में कितना पानी डालने से वो ठीक है। राइस गलना नहीं चाहिए और उसका शेप रहना दिखना चाहिए, लेकिन वो कड़क नहीं रहना चाहिए, इतना करना है। तो कितना भी पानी डालो, थोड़ा सा पानी राइस का, जो पहले उबला राइस तो थोड़ा पानी निकाल दीजिए, तो क्या होगा उसके ऊपर जो दवाएं मारी है, उसके ऊपर जो बाकी पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट है वो सब निकल जाएगा। और बाकी आपको जो समझना पड़ेगा कि आपकी प्रकृति क्या है, घर में 5 लोग हैं उनकी प्रकृति, सबको कोई चीज़ें अनुकूल आती है क्या, स्टैंडर्ड एक नियम अन्न का हो सकता है क्या? पेड़ों का नहीं होता, पौधों का नहीं होता, कुत्तों का नहीं होता, अलग अलग बिल्ली का खाना अलग है, कुत्ते का, कुत्ते बिल्ली भी हर एक प्रकार की आती है। हम सब आदमी जो लोग हैं, मनुष्य है, उनको ये लोग एक डंडे से कैसे हाँकते हैं कि कभी खाना खाओ, 2 ही बार खाओ, ऐसे नहीं हो सकता खाना। और ये सब करके जो वीकनेस आएगी, आपने गलत खाना खा लिया तो क्या होगा, पेट भरा जैसा लगेगा लेकिन शरीर को मिलेगा कुछ नहीं। तो खाना क्या खाया उससे महत्व का क्या है, शरीर ने अब्सॉर्ब क्या कर लिया, साथ में क्या हुआ, जो शरीर में खाना स्वीकार हो गया उसका ही फायदा है, बाकी तो मल वृद्धि है। और जो मल निकलेगा वो पूरा कभी जाता नहीं है, वो अंदर चिकनाश जो है वो रहती है। अभी क्या है, थोड़े दिन पहले नक्की हो गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका कोई संबंध नहीं था, ये खाली ऐसे उठाया था। 400 तक कोलेस्ट्रॉल है तो कुछ खराब नहीं होता। हमारे एक ऑस्ट्रेलिया के, मेरे भारतीय है, ऑस्ट्रेलिया में घर है, इधर आते जाते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनको कहा कि 120 कोलेस्ट्रॉल
तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर ने कहा कि ये तो 120 है, गोली खानी पड़ेगी। तो इनको दे दी गोली। मैं बोला मरोगे? मरने का धंधा ही है, बिल्कुल खड़े नहीं रह पाओगे, पाँव में टूट जाएगा मसल। और हमारी पाँव की जो काप मसल है उसके एक बार टूट गया ना मसल, तो टूट गया मतलब उसकी ताकत निकल गई, तो फिर बनेगा नहीं। बहुत तकलीफ़ है, उसकी पेट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आपको कभी भी पेट में अस्वस्थ लगता है तो आप काप मसल को दबाइए पहले, तो क्या होगा, सर्कुलेशन आता है पेट में, और अग्नि थोड़ा सा सर्कुलेट में बढ़ गया तो ऐसे ही पाचन की बीमारी कम हो जाती है। तो ये जो राइस के बात की, गेहूँ की बात की, और जैसे आप देखिए कि जो फुल्का किसका कौन खा सकता है, रोटी को ज़्यादा के पराठा कौन खा सकता है, रुमाली रोटी कौन खा सकता है, आपको लगता है कि ये सब खाने से एक ही है कि गेहूँ खाया? नहीं है, क्योंकि क्या है, इसके बनाने बनाने में जो फर्क है वो हर एक व्यक्ति को अलग, जो कफ का व्यक्ति है उसको रोटी अलग प्रकार की चाहिए, जो पित्त का व्यक्ति है उसको अलग प्रकार की चाहिए, जिसको वात का व्यक्ति है उसको रुमाली रोटी है, उसको आप संस्कार किसका किया आपने, एक तो बहुत सारे अंदर लेयर आ गए और ऊपर फेंका, तो वायु का संस्कार, वात का संस्कार हो गया। कोई भी चीज़ आप फ्रीज में रख दो तो वायु का संस्कार होगा ही, ठंडी चीज़ है ना, बहुत ठंडी होगी तो वायु छूटता है, गर्म बहुत होगा तो अग्नि के ऊपर गर्म। इसलिए पहले क्या था, डायरेक्ट कोयले के ऊपर सेकते थे, ये जो मशीन आता है ना वो वायु का सेकना है, वो वायु की वृद्धि होगी, फिर वायु का दो कैंसर जैसी बीमारी है, ऑस्टो पोरोसिस है, फिर बहुत सारी बीमारी, मुझे अभी नाम इंग्लिश में सब याद नहीं है, तो ये सब बीमारियां जो है वात की है, स्पेस एज एलिमेंट की, हमारे वात और आकाश तत्व की बीमारियां है ये। इसलिए कैंसर क्या करता है, उड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर, कहीं पेट में हो गया होगा उसको निकालेंगे ट्यूमर या रेडिएशन देंगे तो दूसरा उसका गर्दन में मिलेगा, कहीं ब्रेन में मिलेगा। तो ये बीमारियां ये खान पान से बढ़ रही है, खान पान कैसे बना है, और खान पान का संस्कार जो है, रसोई घर एकदम स्वच्छ होना चाहिए, जैसे कि भगवान का जो अल्टार रूम होता है ना हमारा, जहाँ भगवान को रखते हैं, इसी तरह रसोई का होना चाहिए। रसोई में जाते समय हाथ पांव धो के ही अंदर जाना है और प्रेम से खाना बनाना है, कि ये नहीं कि मुझे ये बताना है कि मैंने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं, मुझे ये बताना है अंदर कि इनको ये समोसे कैसे पचेंगे बाहर खाने वाले लोगों को। और प्रेम से ये संस्कार अन्न के ऊपर होगा तो अन्न का काम होगा। फल है वो सब खा सकते हैं क्या? हाँ, अभी चार पांच चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको बताऊं। कॉलीफ्लावर ये बहुत खतरनाक वस्तु है, रोज़ कॉलीफ्लावर के सेवन करने से आपको क्या क्या होगा वो क्या पता नहीं, जिसको जो वीकनेस होगा शरीर में, लेकिन किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। जो बीन्स है, वटाना है, और आजकल नेचुरल तो रहे नहीं, लगभग सेंद्रिय सब चले गए, वो बड़े बड़े वटाने वाले भी बीन है, छोले है, चना है, ये बीन्स है वो एक ही दिन में, गवारफली है, शिमला मिर्च है, ये वायु के एकदम सहकारी है, इससे वायु का बीमारी आएगी। सपोज जिसको ऐसे ही थोड़ी हार्ट की बीमारियाँ वगैरह है, उसने यदि एक रात को स्टफ शिमला मिर्च, है ना, शिमला मिर्च बोलते हैं ना, हिंदी में कुछ दूसरा नाम है, हमारे घर में मराठी शिमला मिर्च खाते हैं इसलिए तो शिमला मिर्च है, गवार फली, ये गोवार है, ये गाय को खाने की सब्जी है, वो हमने मनुष्य में स्वीकार कर लिया है, बहुत वात है उसके अंदर। और ऐसे दो तीन चीज़ें एक साथ और कहीं तली हुई कोई चीज़ और खा ली तो रात को अटैक आ सकता है। ऐसे कोई 50 पेशेंट हो गए होंगे तभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं मैं पूछता था दूसरे दिन क्या क्या कल रात को खाया था क्या नहीं है, और इससे ये पता चलता है। तो ये वायु का है रात के समय में। और आजकल आइसक्रीम पार्लर में सीताफल आइसक्रीम मिलता है ज़्यादा ना, आपके यहाँ की सीता है लेकिन सीताफल आइसक्रीम संभाल के खाइए,
ये जो सीताफल है वो बहुत ठंडा है और ये आइसक्रीम खाने से फिर वो छाती की बीमारियां जरूर आएगी, बच्चे यही करते। बाकी के आइसक्रीम तो रात का आइसक्रीम खाना ही इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ उसके लिए हवा सूटेबल, आपके लिए तो गर्मी यहाँ है तो आप खा सकते हैं, सब लोग नहीं खा सकते। जिसको कफ है थोड़ा शरीर में, ओबेस है, आपको ओबेसिटी है, मतलब है ज़्यादा पेट बड़ा है या वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ दिनों के लिए सुबह सिर्फ कोई लिक्विड सूप, ब्रेकफास्ट में सूप, रात को डिनर में सूप, और दोपहर को आपको जो खाना पचता है ऐसा सीधा खाना, सादा सीधा सादा खाना कुछ भी हो, फिर वो एकदम देखिए वजन महीने में आपको पेट वजन 7-8 किलो कम हो जाएगा। और जैसे हम प्रेम से रहेंगे, हमको अन्नात भवन्ति भूतानि है, तो हमारा अस्तित्व ये अन्न के लिए है और अन्न से है, तो मन से खाएंगे नहीं तो क्या मजा आएगी। तो सब छोड़ के सूखा सूखा कुछ, जैसे बाजरी ज्वारी की भाकरी खाएंगे, शुद्र अन्न है, तो गेहूँ नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी। तो इस तरह से खान पान के बारे में मैं आपको कुछ नोट बताऊँ। दूध के बारे में मेरे अनुभव ऐसे हैं कि जब से ये दूध आया 1950 के समय में ये डेयरी ज़्यादा डेवलप हो गई, और दूध है वो सबको घर पहुँचाना है, हमको गर्म करना नहीं इमीडिएटली, इसलिए वो बॉटल में आता था, उसको संस्कारित किया जाता था। तो करते करते क्या है, दूध एक दिन ज़्यादा आता है एक दिन कम आता है, तो फिर इसको पाउडर बनाओ, और पाउडर बन गई। आपको मालूम है कि हड्डियाँ जो है वो सालों साल, मतलब 10,000 पुरानी हड्डी भी मिलेगी, गलती नहीं है वो दूध की पाउडर, मतलब वो हड्डी है, और वो जो पाउडर है वो गलती नहीं शरीर में। तो दूध जो है वो एंजाइम युक्त है, उसमें से शहद जो है वो सूखता नहीं कभी भी, और दूध जो है उसकी पाउडर है वो भी इमीडिएटली पानी पकड़ती है। तो इसको नमक है ये भी पानी पकड़ता है, जो पानी पकड़ने वाली चीज़ें हैं इनको पानी की आवश्यकता है, वो बिना पानी का आपने सुखा दिया तो तकलीफ करेगा। तो ये दूध का क्या हो गया कि 5-7 लीटर दूध गाय देती है, तो इनको 30 लीटर चाहिए, तो इसको संकरित कर लिया, गाय का मशीन बना लिया, उसको नाम दे दिया गाय, बाकी वो जीवित मशीन ही है एक, और इससे 30-30 लीटर दूध, उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, सब करते हैं। ये सब हमारे तुम्हारे पेट में गया हुआ है। मैं इतनी सब ये बातें कर रहा हूँ लेकिन मैंने भी वही दूध खाया, मिला ही नहीं कुछ दूसरा। खैर अभी गए 40 साल से हमने अपने आश्रम में गाय पाली हुई है, और वो भी देशी गाय जो 4 लीटर दूध देती है। दूध से नफा नहीं करना है, दूध तो अमृत है, और जिसको दूध नहीं पचता वो मुझे कंप्लेंट देना, मैं आपको दूध पचाने की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन दूध छोड़ना नहीं कभी। आजकल ये वेगान वगैरह निकल रहा है, शायद फैशन यहाँ आएगी, वो तो कली की ट्रिक चालू है, कलयुग है ना, और गवर्नमेंट सुखी है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिक होगा, मरेंगे लोग। दूध और शहद ये दो चीज़ तो अमृत तुल्य है, और पंचामृत जो है वो सुबह लेंगे तो रसभाव शरीर में बढ़ता है, तो ये पंचामृत आप स्वीकार करो न करो, लेकिन रोज दूध चाहिए ही। और घी है, अभी दूध को पहले तो दूध गाय का दूध या भैंस का दूध ऐसे चाहिए कि जिसको कोई इंजेक्शन नहीं दिया है, जिसको सींग नहीं काटे हैं, जिसको बाहर घूमने के लिए सूर्य प्रकाश में वो जाती है, ऐसी गाय या भैंस चाहिए। इसके बाद जो है वो दूध को गर्म 110 डिग्री तक करना है, और उसके ऊपर की मलाई जो है वो निकाल के इसको दही जमा के 14 घंटे दही जमेगा, 12 घंटे दही जमेगा, तो बाद में उसको मक्खन करके मक्खन निकालना है, और ये जो मक्खन है वो मक्खन के घी बनाना है। ये घी जो है वो आज का नॉर्मल घी उससे 5 गुना ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन कोई इलाज नहीं है, कोई किसी भी हालत में आप होमोजेनाइज दूध पीते होंगे, एक लाते होंगे तो बिल्कुल घर में होगा और फेंक दीजिए, एक दिन की आपकी आयु बढ़ेगी। तो ये इतना ख़राब वस्तु है वो, और जितना भी मानो के जो A2 टाइप का गाय है, जो ये देसी गाय और ऐसे कोई सचमुच
कोई बनाता है अच्छा दूध, और वो दूध जो है उसका भाव होगा 4 गुना ज़्यादा, ये 50 रुपया लीटर होगा तो होगा 200 रुपया लीटर, 100 रुपया लीटर या 150 रुपया लीटर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा लीजिए कम लीजिए, लेकिन ख़राब दूध मत लीजिए। दूध से बीमारियाँ बहुत है, और सभी बीमारियों का रूट वहाँ है, क्योंकि दूध तो हमारा बचपन से दूध शरीर पहले खींचता है, अपने हमारी जो पेशियाँ है उसको घी खाओ तो पेशियाँ जैसे टूट पड़ती है उसके ऊपर, ये एकदम कि ये चाहिए वस्तु, क्योंकि ये फैटी मैटर ही है और उसको पेशी को, हर एक पेशी को घी की आवश्यकता है। क्या हुआ, पीछे से कुछ सिग्नल कर रहे हैं। तो ये दूध के बारे में, और किसी भी हालत में रोज 4-6 चम्मच घी खाइए, बाकी की चीज़ें कम कीजिए। जो रसोई में जो हम खर्चा करते हैं उसके अंदर किसी भी हालत में दूसरा खर्चा कुछ भी कम करके, मानो कि फल खाना भी अच्छा है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ घी। घी शुड बी कंज्यूम्ड एवरी डे, 4-5 चम्मच घी रोज होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिए। दूध आधा कप पीजिए। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है और घुटने दुखते हैं, हड्डियों की बीमारी है, उन्होंने क्या करना चाहिए, सुबह पहले उठते ही 2 गोली, हमारा जो लोकल कैल्शियम है, मतलब है प्रवाल है, श्रृंग भस्म है, इससे आयुर्वेदिक कोई दवा जो है, वो 2 गोली लेना, ऊपर आधा कप गर्म दूध लेके 10 मिनट चलना बाहर, वो सर्कुलेशन में आ जाएगा एकदम। आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का रिपोर्ट 1 महीने में बदल जाएगा। घुटने वगैरह जो दुखते हैं, वो दुखने की क्रिया जो है उसके लिए वात की कोई दवा ले सकते हैं, लेकिन बीच में जो अंतर पड़ गया है, वर्टिब्रा आजकल डिजेनरेट होते हैं, और उसके लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है कि हमें दूध चाहिए और कैल्शियम फटाफट जल्दी शरीर में एब्सॉर्ब हो। यदि आप कैल्शियम की केमिकल गोली लेंगे तो हीट बढ़ेगी, पाइल्स होती है, आयरन कैल्शियम ये सब गर्म पड़ता है बाहर का केमिकल, नेचुरल कैल्शियम होगा तो ये बिल्कुल ही गर्म नहीं होता और शरीर को ठंडक देता है और ऊपर से हीलिंग फॉर बहुत फास्ट करता है। आखिर में एक था मोक्षम, ये क्या बात है मोक्ष की, मोक्ष का मतलब है समाधान, बहुत आनंद में हूँ, आज तक किसी की कोई कंप्लेंट ही नहीं है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला ऐसे कुछ नहीं। जिस दिन आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी, इच्छा कभी पूरी होती है, बोलना सीखना चाहिए, बस आनंद है और हास्य हो शरीर पर, यही एक मोक्ष की अवस्था शुरू हो जाएगी, पहली पाप स्टेप है। और नींद जो है, नींद, ये नींद मोक्ष की अवस्था है, तो नींद अच्छी। बहुत सारे लोग हैं वो पुस्तक पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, पंखे बदलते रहते हैं, डाबी बाजू सोएंगे, 1 घंटा पर ऐसे ही चला जाता है, दवा खा लेते हैं गोली नींद की, दारू पीते हैं नींद के लिए, क्या क्या लोग नहीं करते, जो फ्री ऑफ चार्ज और हर एक को आती है, मिलती है, तो आपको क्यों नहीं आती। जो नींद है उसको बदल दीजिए। तो मैंने वो जो पुस्तक की बात की ना, उसके अंदर मैंने ऐसे एक चैलेंज लिखा था, कमिटमेंट किया है कि आप ये ये ध्यान योग जो है, सोम ध्यान योग, ये करो, 1 घंटे का दिन का प्रोग्राम है, और आपको 1 घंटा मैं वापस दे दूंगा आपका, कहाँ से, आपकी नींद कम करके। तो आपकी नींद इतनी गहरी हो जाएगी कि जिसको हम कहते हैं योग निद्रा, तो योग निद्रा में आप चले जाएंगे। शुरू में योग निद्रा का संगीत सुनना चाहिए, किसी को जैसे मैंने कहा कि अजगरी प्राणायाम कीजिए, और फिर भी हार्मोन्स के लिए स्त्री संतुलन जैसे कोई हार्मोन के आयुर्वेद ने दवा बताई है वो लीजिए, ऐसे कल्प होते हैं वो लीजिए, लेकिन वो थोड़े दिन की बात है, एक बार हार्मोन ठीक बदलने लगे फिर आपको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की पड़ेगी, उसके लिए भी संगीत होता है। ये संगीत जो है वो हमारा, जैसे ज्योतिष है, गंधर्व वेद है, ये सब हमारे वेद के ही ब्रांचेस है, और उसमें से ही निकाला हुआ संगीत चाहिए। ऐसे ही कोई सीढ़ी पर रख देने से और कोई गलत रिदम ले लिया कि जो हार्ट को मैच नहीं होता तो अच्छा नहीं है।
तो ये योग निद्रा का संगीत थोड़े दिन समय के लिए रखिए, सो जाइए, ताकि आप सीख जाएंगे। और जिसको कोई 10 मिनट या 7-8 मिनट के लिए कोई स्तोत्र या संगीत या कोई पोएट्री आती है तो गुनगुनाइए बिस्तर में लेट करके, तो आप जल्दी नींद में जाएंगे। लेकिन उससे अच्छा कोई संगीत पक्का हो गर्भ योग निद्रा का, तो योग निद्रा में चले जाएंगे। मेरी आपको सबको रिक्वेस्ट है कि बाकी तो आप करेंगे, आपने बहुत सारे वक्ताओं के साथ प्रवचन भी सुने होंगे आयुर्वेद का, आपको सवाल के जवाब भी मैं दे दूंगा, लेकिन आप अन्न ये प्रार्थना करके थोड़ा भूखा रहेगा इतना खाइए, दूध और घी जरूर रखिए। एक चीज़, अन्न प्रार्थना करके ही खाना है, प्रार्थना का परिणाम है ये परिणाम, अभी विज्ञान ने ही सिद्ध किया है, जैसे क्वांटम साइंस आया तो ये परिणाम है। तो प्रार्थना करके, और नींद आपकी आज से सुधरनी चाहिए, स्वच्छ बेडशीट लेके आप 10 मिनट ज्योति ध्यान करके आके सो जाइए, और आपको कोई आता है तो आप गाइए, कोई राम रक्षा आती होगी तो राम रक्षा गाइए, कोई दत्त भावनी आती होगी तो गाइए, दूसरा कुछ भी कोई पोएट्री होगी तो गाइए, लेकिन आप थोड़ा सा गुनगुना के बाद में नींद आ जाएगी ऑटोमेटिक। और एक थोड़े ही दिनों में आप योग निद्रा, मतलब इतनी गहरी नींद आएगी कि आज आप मानो कि 11 बजे सोते हो और सुबह 7 बजे उठते हो, या 11 बजे सोते हो और सुबह 6 बजे उठते हो, तो 5 बजे नींद नहीं खुली तो मुझे पूछना, एक घंटा कम हो जाएगा नींद का, रात का नहीं, रात को जल्दी सोना, नहीं तो आप कहेंगे कि चलो मैं 11 के बदले 12 बजे सोता हूँ। नींद लेट सोने से पित्त भाव बढ़ता है शरीर का, वो तो अच्छा नहीं है, वो 11 बजे के पास सो जाना चाहिए, 11, 11:30, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सुबह का जो एक घंटा है वो आपकी नींद, और आप नक्की करके उठ पाएंगे, जो समय में आपको उठना है वो आप बोलिए कि कल जरा मुझे, रोज़ मैं 6 बजे उठता हूँ लेकिन कल 5:30 बजे उठना है, तो 5:30 बजे नींद खुलेगी। इसको कहते हैं योग निद्रा, यही मोक्ष है हमारे तुम्हारे लिए। बाकी वो बाद में कहीं मोक्ष जो मिलेगा वो बाद उसके काम भी नहीं है ना, मृत्यु के बाद मिलेगा उसका क्या काम है, आज जो है वो दे दो ना, वो फायदे का है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपके सवालों के जवाब लेते हैं, आधा घंटा है सवाल के लिए। पूछना चाहते हैं वो प्लीज सामने आ जाए। Only 5 to 6. Please make a row. इतने पूरे करने के बाद दूसरों को बुलाइए, क्यों खड़े कर रहे हैं? यही दे रहे हैं। हेलो, योग निद्रा तुम्हें आता सांगितलं सगळ्यांना नाही ऐकू येते योग निद्रा, हाँ आता आपण सांगितलं, पण काही लोकांना घोरण्याची सवय असते, त्यामुळे घोरण्यावर तुम्ही जर थोडंसं काही भाष्य केलं तर सर्वांचं प्रॉब्लेम सॉल्व होईल। घोरण्यासाठी काय करायचं की सकाळी नेती करायची, म्हणजे असं नाक करून नाक तोटीवाली पाणी घ्यायचं मिठाचा गुणगुणा, आणि या नागपुडीतून टाकून या नागपुडीतून या नागपुडी टाकून या नागपुडीतून, याला म्हणायचं नेती। शिकून घ्या नाही तर योगेश टीचर कोणीतरी, आणि रात्री झोपण्यापूर्वी नाकामध्ये साजूक तुपाचे थेंब टाकायचे, आणि नाहीतर हे पण तुम्ही नेती करायला लागा म्हणजे तुमचं घोरणं कमी होऊन जाईल। त्यामुळे चांगलं आहे नस्य स्यान म्हणून आपल्याकडे नाकासाठी वेगळं तूप सांगितलेलं आहे आयुर्वेदाने, सॉरी मराठीत विचारलं म्हणून मराठीत सुरू झालं, आयुर्वेदाने खूप सारे तुपाची औषधं सांगितले, तुपावरती इतकी, आणि मानसिक औषधं रोगांची तर सगळी जवळजवळ तुपातच आहेत, किंवा जे भयंकर मोठे मोठे रोग आहेत त्यांची औषधं तुपातच असतात। तर तुपाचं नस्य वेगळं आहे, डोळ्यामध्ये पण वेगळं तूप सांगितलेलं आहे। तर जेव्हा रोग होतो तेव्हा आपल्याला नस्य चांगलं सॅन, आम्ही नस्य सॅन म्हणतो कारण आमचं नस्य सॅन, पण नाकातलं बनवलेलं तूप ते टाकून घ्या खूप। आता म्हणजे जर मोठ्याने लावड असलं घोरणं शेजारच्याला त्रास होत असला तर तसं घ्या, आणि नेती करायला लागा बंद होऊन जाईल। हां
नहीं, मैंने कहा कि आयुर्वेद ने बहुत सारी दवाएं जो बड़े रोग है या मानसिक रोग है उनकी दवाएं घी के ऊपर संस्कारित करके बनाई है, और वैसे मानसिक मतलब है मिराकुलस काम करते हो, लेकिन वो घी खाना इतना ही हमें स्वीकारना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। और नाक के लिए अलग घी बन, नाक के विकारों के लिए अलग घी बनता है दवा, खाली प्योर घी या शतधौत घृत का काम नहीं है। तो ऐसे घी लेके नाक में डालना, आँखों के लिए होता है, कान के लिए होता है। आपको आश्चर्य लगेगा, सुमुख बहुत सारे लोगों को दांत की, अभी आज मेरी उम्र है 80, तो मेरे तो दांत अच्छे हैं, अपने ही हैं जन्म से दांत है, वो मजबूत रहने के लिए आयुर्वेद ने सुमुख नाम का तेल दिया है उसके अंदर, मतलब है फॉर्मूले दिए हुए होते हैं। तो ये जो है यूज करते हैं, पहले 5 मिनट ये पकड़ के रखते हैं और बाद में ब्रश कर, ब्रश यानी हम तो पाउडर यूज़ करेंगे लेकिन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो दवाई होती है, तो जिनको ये स्नोरिंग की तकलीफ होती है उनको सुबह नेती करना, और नेती और रात को नाक में ये घी डालना। थैंक यू। दालचीनी, लसूण आणि कढीपत्ता कोलेस्ट्रॉलला प्रतिबंध करतो का? हे चांगलं असतं स्वयंपाक इन रसोई इन डे टू डे, चांगलं चांगलं चांगलं। कोलेस्ट्रॉल नका कमी करू, कोलेस्ट्रॉलच्या मागे लागू नका। तुमचं कोलेस्ट्रॉल 600 आहे का? मग तुम्ही कोलेस्ट्रॉल, एक बात सुनी है, कोलेस्ट्रॉल यानी बॅग। सब्जी लेने के लिए गए आजकल तो बॅग वहां भी देते नहीं है, और आप भी लेके नहीं आए। शरीर में जो ताकत रखनी है उसके लिए जो व्यवस्था है वो कोलेस्ट्रॉल है, और उसको धोखा कब होता है कि वो ज़्यादा चिकना अंदर पड़ेगी, जैसे आटा है, आटे में अपने चिकना थोड़ा बनाना है और कोई ऐसे डाल दिया तो फिर वो कड़क बन जाएगी रोटी। तो इसके लिए जैसे ट्राइग्लिसराइड नाम की जो चीज़ है, इसको आयुर्वेद में हम आम कहते हैं। तो जो आम बढ़ेगा, अपचन से आम बढ़ता है, जो अन्न खाना रोज के रोज पचता नहीं है या 4 दिन में जिसकी जितनी लिमिट है, तो वो खाने का सड़ता है अंदर, तो आम बनता है। वो आम कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल गया तो कोलेस्ट्रॉल 100 होगा तो भी आपको नुकसान करेगा, खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं करता। इसलिए आप ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसके पीछे रहिए, बाकी कोलेस्ट्रॉल नहीं। पर लेकिन ये दालचीनी जो है वो लेने से फ़ायदा होता है, लहसुन है, कड़ी पत्ता। पान खाना छान, हो नहीं, जिसका कैल्शियम बहुत कम है उसके लिए तो कैल्शियम की गोली वगैरह खानी पड़ेगी। वो पान जो है ना मेंटेनेंस का है, हम लोगों ने बचपन से सब हमारी आदतें छोड़ दी है, तो अभी अचानक एकदम एट द एज ऑफ 50, 60, 70 कहीं शुरू करेंगे वो कड़ी पत्ते से क्या होगा। आयुर्वेद में सिंगल हर्बल रेमेडीज जो है उसके जब गुण बताते हैं, क्योंकि हम दवा में डालते हैं तो उसके लिए गुण चाहिए, उसके अंदर एक गुण रहता है ये, लेकिन वो सिंगल खाने के लिए कोई एडवाइस नहीं किया है कि ऐसे कड़ी पत्ता ही खाइए तो आपका ये बन कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने कहा कि इसको सुबह खाने से रसोई में यूज़ कीजिए। दालचीनी जो है वो भी जहाँ डालनी है वो डालिए, चाय में डालिए, और नॉर्मल रही है तो वो फायदा करते रहते हैं, उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तरस कोलेस्ट्रॉल नहीं, तो काय करत नहीं ते कोलेस्ट्रॉल। कशाला खायचं आंशा? एका व्यक्तीने फक्त एकच प्रश्न विचारावा प्लीज, चर्चा आपण नाही ठेवू शकणार। नहीं, केला ये बोल रहे हैं कि केला जो है वो खाली पेट खाना है, भर पेट खाना है, नहीं खाना है, क्या करना है, ऐसे ऐसे कोई नियम नहीं है। केला जो है ना वो एक आधा, जिनको कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल है वो केला एक आधा खाएंगे, और केला और घी मिला के खाएंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है और हार्ड स्टूल दूर होता है, तो पाइल्स बिल्स की तकलीफ नहीं होती। इससे ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है।
फॅमिलीमध्ये ना 1000 वर ट्रायग्लिसराइड माझ्या मुलाला माझ्या मिस्टरांना वगैरे आहे. तर लॅबोरेटरी बदलून पाहिली का? नाही बदलली, सगळीकडे ऑल इंडिया केले नाही. तर म्हणजे त्यांच्या फॅमिलीमध्येच आहे. तर जवळजवळ 1400 असतं, 1000 पण असतं, म्हणजे लहानपणापासून. आता काय, हा एक जेनेटिक दोष आहे. तर ते जेनेटिक दोषावर ते मंत्रांशिवाय दुसरं काही काम करणार नाही. जेवढे मंत्रच फक्त जेनेटिक दोषावर काम करतात. पण तरीही तुम्हाला तुमचे रिपोर्ट एकदम आले तर पाठवा तुम्ही. मी सजेस्ट करीन तुम्हाला इतर रिपोर्ट पाहून की काय करता येईल ते. मला मागील 10 वर्षापासून ॲलोपेशिया झालेला आहे, म्हणजे फंगस. आणि मी होमिओपॅथी केलं आणि बाकीचं स्टेरॉइड वगैरे सगळं करून घेतलं, पण ते परमनंट सोल्युशन मला कुठेच नाही मिळालं त्याचं अजूनपर्यंत. जातात येतात केस, पण परमनंट सोल्युशन नाही आहे. फंगस ज्याला आपण म्हणतो, बाल जो है वो, हिंदी में जवाब देता हूँ, बाल जो है वो उनका आधार है हमारी हड्डियाँ. हड्डियाँ मजबूत होगी तो बाल, बालों में कुछ भी विकार है तो उसका मतलब समझना कि हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. तो उसके लिए क्या दवा की है वो देखना पड़ेगा. और नहीं तो उसको फंगस के लिए, सिर्फ ऊपर से फंगस तो निकल गया लेकिन अंदर से वो बीमारी फिर आती है तो फिर फंगस जमता है हड्डियों से. वो बाल जो होते हैं वो हड्डियों का मल है, ऐसे समझिए. ये उपधातु है वो, तो इसको तो हड्डियों का देखना पड़ेगा कि क्या आपके हड्डियों का क्या है, कैल्शियम क्या हो रहा है शरीर का, और फिर बालों की ट्रीटमेंट नहीं, हड्डियों की करनी. तो त्याच्यासाठी मला कुठे भेटता येईल तुम्हाला असं? दवाखान्यात जायला लागेल. म्हणजे मी तर हल्ली बसत नाही आत्ता, पण आमचे आहेत सगळे 5-6 ठिकाणी दवाखाने आहेत आणि सगळीकडे. का तुम्ही केस एकदा लिहून पाठवा, त्याच्याने येतं आहे का उत्तर पहा. लेफ्ट साईड प्लीज. म्हणजे नागपूरमध्ये सेंटर नाही आहे, कोल्हापूर, अहमदाबाद, नाशिक, मुंबई, बड कार्ला सगळी. मधमधनं येऊ कोणीतरी आमचे डॉक्टर. नमस्कार सर, माझा प्रश्न प्रीमॅच्युअर बेबीवर आहे. ईडी डेटच्या 1 महिना आधी नातू झाला मला. आता तो 4 महिन्याचा आहे, पण झाला तेव्हापासनं त्याला नेहमीच म्हणजे दिवसातून सारखी वॉटरी पॉटी होते फ्रिक्वेंटली, म्हणजे 10-12 ते 14 पर्यंत वगैरे सुरुवातीला होती. आता ती कमी होत होत 6-7 वगैरे होतेच आहे. पण तर त्याच्यावर काय उपाययोजना करता येईल का? काही औषधं द्यायला पाहिजे वैयक्तिक पाहून, मुलाची तब्येत किती आहे. अच्छा, जनरल काही त्याला नाही, वैयक्तिक नाही, वैयक्तिकच पाहिजे. ओके, ठीक आहे. एक यहां से एक वहां से. सर, डैंड्रफ क्यों होता है और एलोपैथ और बहुत सारे डैंड्रफ सर, एक मिनट, ते प्रश्न विचारता उसका सर. एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथ, उसके बाद भी कुछ असर नहीं है, वो होता क्यों है और उसकी रेमेडीज? डैंड्रफ क्या है कि जो ये भी फिर अभी बालों की समस्या है, मतलब गर्मी जो है वो ज़्यादा आएगी शरीर में और बालों में जो आता है वो इम्प्योर आएंगी. जो बालों का बाल यानी वो हड्डी का मल है ना, तो इसलिए आपको कहा है कि शायद ये आपका जो अल्ब्यूमिन है और ये कहीं शरीर से बाहर जाता होगा या कुछ, वो पूरी कॉम्पोजिशन हड्डी की बैठ नहीं रही. तभी वो क्या होता है, वो ताकत नहीं आती और गर्मी शरीर की है वो डैंड्रफ करती रहती है. तो इसके लिए बालों की दवा के साथ साथ अंदर ये सब चीज़ें जो है वो एक बार रिपोर्ट करके यूरिन रिपोर्ट करवाई है और भेजिए, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है और फिर आप दवा कीजिए तो वो बंद हो जाएगा. ये लोकल ट्रीटमेंट का जो बहुत सारा काम करते हैं ना, कि जैसे अभी जब एडवर्टीजमेंट आती है कि ये क्रीम लगाओ तो डैंड्रफ चला जाएगा, लेकिन डैंड्रफ आता है क्यों और वो क्यों बनता है वो देखना बहुत आवश्यक है. वो ऐसे छोड़िए नहीं, क्योंकि डैंड्रफ तो ऊपर ऊपर से है लेकिन हड्डियों का या शरीर में, और स्त्री होगी ये डैंड्रफ के लिए, पेशेंट स्त्री होगी तो उनके मासिक धर्म में क्या जाता है वो भी देखना पड़ता है. और ये इसके, क्योंकि डिस्चार्ज है ना हर महीने, तो इसमें चला जाएगी जो काम की चीज़ है हड्डियों की, तो फिर वो उनको यही तकलीफ आएगी. और जैसे जुए भी होती है ना स्त्रियों में,
तो जुए है, डैंड्रफ है, या कोई ऐसे चिकट अंदर ये बनता है, ये सब चीज़ें होती है, उनके मासिक धर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरोपैथी का एक शिविर अटेंड किया था तो उन्होंने बोला था कि जीरो डेयरी। तुम्हें बोलता है क्यों नहीं आते? नेचुरोपैथी का अभी एक शिविर अटेंड किया था तो उन्होंने बोला था कि जीरो मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब बिल्कुल उन्होंने बोला था कि दूध आप लोगों के लिए है ही नहीं, तो उन्होंने बोला था कि बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं, ये तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, ऐसे है कि आप ही न रहे तो आगे की कोई समस्या ही नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। ये गलत बता रहे हैं कि दूध नहीं, दूध हमारी जवाबदारी क्या? देखो, समदोषा समाग निश्चय करने में जब खुद को वैद्य कहता हूँ या डॉक्टर कहता हूँ तो तुमको सम करा के लाना मेरा काम है, और ये दूध और शहद जैसे मैंने बताया, और एक कार्बोहाइड्रेट में चावल है, पोटैटो है, गेहूँ है, ये चीज़ें हर एक मनुष्य को दुनिया भर में इसी की खाद होता है, खाना होता है, तो ये तो पचनी चाहिए। यही नहीं खा पाएंगे तो क्या चलेगा? दाल में मुँह तूर डाल नहीं चलेगी तो अरहर की नहीं होगी तो मूँग डाल चलेगी, लेकिन दाल तो चलनी चाहिए ना। ऐसे तो ये गलत है ऐसे बताना, मुझे लगता है। मैं तो ऐसे आपको जैसे मैंने कहा, ये टपास आप एग्जामिनेशन कर लीजिए और आप भेजिए, आपको दवा सुझाव देंगे। उन्होंने कहा no छोटे बच्चे please. को भी लाइक सुबह उठते से ही दूध बिल्कुल देना ही मैम, क्या करेंगे वो तो। वी कैन ओनली टेक क्वेश्चन, वी कैन नॉट मेक एनी डिस्कशन प्लीज। Before taking next question, I would call Yogita for some announcement. She want to make one announcement. Good evening, everyone. At Chitnavis Center, we organize different programs under our different platforms. So we have two interesting programs in this month of December. The first one is on 15th of December, which is a talk on radicalization of Kashmir by Major Gaurav Arya. So I request you all to attend the program. It is in Central Lawns at Chitnavis Center. And the other one is on 16th December, Sunday, which is a classical vocal concert by Aditi Upadhyay. So please try and attend in great numbers. Thank you so much. And one more program I would like to announce. उद्या सगळ्यांना मी इन्व्हिटेशन देते की देशपांडे हॉलला एक मराठी नाटक आपण ऑर्गनाईज केलं आहे, बाप हा बापच असतो, 5:30 आहे, आणि जे प्रोग्राम्स योगितांनी सांगितले आणि उद्याचा जो प्रोग्राम आहे तोसुद्धा फ्री आहे. सो जस्ट ऑक्युपाय युअर सीट्स बिफोर 15 minutes ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. 5:30 उद्याचा 5:30 आणि पुढचे जे प्रोग्राम्स आहेत ते 6:00, 15 आणि 16 तारखेचे प्रोग्राम 6:00. उद्याचा देशपांडे. सर, जेनेटिक दोषामुळे वारंवार लंग्स इन्फेक्शन होत आहे, याच्यावर आयुर्वेदावर उपाय आहे का? ये जो जेनेटिक प्रॉब्लेम्स रहते हैं वो लंग्स हमारी मेन संस्था है कि जो हमारी प्राण शक्ति को खींचने में मदद करती है, इसलिए जेनेटिक जितने भी लंग्स के विकार है वो लगभग जेनेटिक ही आते ही है होंगे. तो जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या फाइब्रोसिस है, ये सब जो गड़बड़ है वो जेनेटिक हो जाती है. तो इसके लिए लंग्स को क्लीन करने के लिए प्राणायाम के सिवाय ज़्यादा महत्व का और नहीं है. दवा तो है, दवा भी आप ले सकते हैं, और दवा है वो जैसे सीजनल लेने की, मतलब जैसे पूछने अभी हम लोग पूछेंगे आपको कि कौन से सीज़न में आपको क्लाउडी होता है, बारिश के पहले ये बढ़ता है, और कोई बारिश में बढ़ता है या ठंडी में बढ़ता है, कौन सी सीज़न, और ये सीज़न देख के उसकी दवा बनाते हैं और वही सीज़न में दे देते हैं, फिर साल भर नहीं करने का, लेकिन वो करना पड़ेगा दवा. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द राइट साइड प्लीज. चलो एक दोन मला वाटतं हो बरोबर. नाही, ऑनलाईनची आत्ता आम्ही चांगली व्यवस्था करतो आहे, कारण की ते आमचं कारला असल्यामुळे काय आहे की कारला दूर आहे ना, 50 किलोमीटर पुण्याचं, तो नाही नाही स्टाफ हमे मिलता नहीं झाला, लोग आने के लिए तयार नहीं होते. अभी अभी शुरू किया है पुणे में एक ऑफिस,
और वहाँ ये सब पूरा ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह है, मैं नहीं देखता ये काम, मेरा लड़का देखता है, यानी मालूम नहीं यहाँ दो है। सर वी कैन टेक क्वेश्चंस, देन वी कैन डिस्कस। अभी sir, एक बात मैं आपको बताऊँ सबको, सॉरी, कि ये सब जो है वो घरेलू दवा जैसी बनती है ज़्यादा करके, इसको हैंडलिंग सिस्टम जो है वही मैकेनाइज्ड है, बाकी उसके संस्कार और दवा बनाने का तरीका तो हमारे पार्ट जैसा है, तो इसमें शॉर्टेज बहुत है दवाओं का। अब जो हमारे सेंटर में पहले दवा कभी नहीं मिली, ऐसे होता नहीं है क्योंकि वो सामने ही है, फिर पुणे में जाएगा, फिर ये जाएगा, हमारे जितने सैटेलाइट सेंटर्स है उसमें वो दवा पहुँचते पहुँचते दवाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम कर रहे व्यवस्था, मतलब ये तकरार ना हो इससे। क्वेश्चन प्लीज। सर सबसे पहले मेरा आपका सादर प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्यूट अगर सोरेसिस है किसी को तो उसका कुछ इलाज है क्या? एक्यूट सोरेसिस, सोरेसिस के लिए बस्ती, मतलब ये जो तेल जो होता है वो दवा का तेल बनाने का है, इसके लिए पार्ट है, और वो बस्ती एक तो काम आएगी बहुत जल्दी, फास्ट ये करेगी रिकवरी। और पेट में जो है वो अनंत सारिवा है, मंजिष्ठा है, इनकी जो दवाएं मिलती है भावना करके दवा। अभी क्या है, मैं आपको एक गोली दूंगा कि ये अनंत की गोली है या मंजिष्ठा की गोली है, लेकिन हमने उसके 15 भावना दी होगी, मतलब वो पाउडर करते हैं और जूस लेके या काढ़ा लेके उसको एक बार सुखाया, दो बार सुखाया, तीन बार सुखाया, ऐसे 15 बार किया, तो सोरेसिस जैसी बीमारी है उसमें तो ऐसी भावना वाली चाहिए, सिर्फ ऐसे अनंत की पाउडर फांकी मारेंगे उससे जल्दी हटेगी नहीं ये बीमारी, तो ये पाचन शक्ति में ही व्यय हो जाता है उसका। तो आयुर्वेद ने उसके लिए संस्कार बताए हुए हैं, जैसे सब मर्क्यूरी जैसे हीरक का भी भस्म बनाते हैं, वो संस्कार से ही बनता है, आपको आश्चर्य लगेगा, उसके ऊपर अंदर टिकता कुछ नहीं है, जैसे पारद है उसको हम नींबू के रस में रगड़ेंगे तो नींबू और पारा मिक्स तो होता नहीं, वो तो धो के निकल जाएगा, लेकिन उसके आगे जाके 4-5 वनस्पति हो गई वो टूटेगा पारा, तो ये संस्कार से होने वाली चीज़ें है, और ये आज वो करते नहीं है, इसलिए सादी सादी गोलियाँ बाहर मिलती है फिर वो काम नहीं करता, आपको मिले उसके ऊपर दवा अच्छी है, सोरेसिस के लिए दवा अच्छी। मैम नमस्ते गुरुजी, मला 3 वर्ष झालं लिवर सोरेसिसचा त्रास आहे, तर मी 2 वर्ष पुण्यात औषधं घेतले, आता मी नागपूरमध्ये शिफ्ट झाली, तर तिथून मी कार्यालय येऊन आज 3 महिने झाले औषधं घेते, पण माझ्या खानपानमध्ये मला काय बदल करावं लागेल? कारण जसं मॅडमने सांगितलं तसं मी ज्वारी आणि तांदळाची भाकरी खाते आणि मुगाचं वरण खाते, तर मला ताक आणि पंचामृत हे चालेल का? आणि तूप, ताक पंचामृत तूप चालेल। हां, तुम्हाला पालेभाज्या कोणत्या खाऊ मी? वातुळ पदार्थ जे आहेत ते नाही चालणार, मी वातुळ पदार्थांची एक लिस्ट काढू घ्यायची की ते नाही चालणार। दुसरं तुम्हाला काय की बस्ती ही घेणं आवश्यक आहे। मग त्या दिवशी मी विचारलं होतं मला बस्ती घ्यायची, पण एक बस्ती नसते, मी असं 3-4 बस्ती घ्यायला पाहिजेत ना, आता मला परत तिथे येऊन लोणावळ्यामध्ये ऍडमिट व्हावं लागेल, तरी 8-10 दिवस राहिल्याशिवाय नाही होणार ते। बरं, मग आता मला मी जर हे तूप खाल्लं, मी तिकडून आणले काय मॅडम तूप, तर चर्चा नको, एकच प्रश्न घ्या, तर ते लिव्हरवर साचेल का? मी जर रोजच तूप खाल्लं तर ते लिव्हरच्या इथे साचेल का? मी रोज 10 चमचे तूप 4 चमचे लोणी खातो, माझ्या तर काही लिव्हरवर साठलेलं नाही, नाही काय साठत वगैरे नाही ना, मग तेच मला विचारायचं। सर आयुष्यामध्ये एक चूक झालेली आहे माझ्याकडून, त्याच्यामुळे मला डायबिटीस झालेलं आहे, तर याला बाहेर कसं फेकू मी? डायबिटीस झालं म्हणाला ना, मधुमेह काय रेंज आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे, सेकंड लेवल आहे। मग त्याच्यासाठी काय करायचं की त्याचे जे आधी साईड इफेक्ट्स आहेत, म्हणजे त्याच्या संबंधित जे मूत्रमार्गाचे विकार आहेत किंवा इतर जे मसल विकनेसचे आहेत त्याच्यावर पहिला अटॅक करून ते बरे करायचे आणि नंतर मग त्याच्यावरती आघात करायचा, तर त्याने तुमचं बरं होऊ शकेल। आहे किती वर्षाचं आहे? नाही 15 वर्षापासून आहे, जाईल म्हणजे जैसे मैंने कहा कि पहले आपको उसके जो साइड बीमारी है उसको बताना पड़ेगा, आपकी नर्व्स देख के प्रकृति देख के जो आपके साइड भी इफेक्ट है, साइड उसकी जो डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स है उसको पहले दूर करेंगे तो उसकी ताकत टूटेगी, तो बाद में उसको दवा तो चालू ही रहेगी, उससे वो निकल जाएगा।
नमस्कार तुम्हाला. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. माझी मुलीला 2 ॲक्सिडेंट झाले, तिचा MRI केला, त्याच्यानंतर डॉक्टर्सचं असं झालं की आतली सूज अजून कमी नसल्यामुळे ते तिला वाताचा रोग असा आहे. तर तिचं काय आहे की थोडंसं स्ट्रेन झालं की बोटं किंवा पाय असं सुचतो, आणि आताही तिच्या पाय हातामध्ये थोडी सूज आहे, थोडंसं चालवलं, गाडी चालवली किंवा स्ट्रेन असं झालं तर तिचे बोटं आणि पाय असे सुजायला सुरू. नाही, हा प्रश्न प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय तपासून घ्यायचा प्रश्न आहे. हे जनरल उत्तर काही नाही याच्यावर. अच्छा, पण वाता करता तुम्ही जनरल असं? नाही नाही, हा काय वात काय येते, हे मोठं दुखणं आहे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वात विकार जब हम बोलते हैं तो सांधे थोड़े से दुखते हैं, उंगलियां फोल्ड नहीं होती या बीच में ऐसे बंद हो जाती है, घुटने दुखते हैं, ऐसे वात विकार, पीठ दुखती है, कमर दुखती है, इतने तक वात विकार है वो आसान है, ये तो ज़्यादा तकलीफ है. नमस्कार गुरु जी. नमस्कार. आपली जी मानव जाति जी पचन संस्था है त्याच्या अनुसरून शाकाहार योग्य आहे की मांसाहार किंवा दोन्ही समिस असलं तर चालतंय, किंवा आधी म्हणजे याचा उत्क्रांती आपली आधी मनापासून झाली सर, ते आधी शिकार करूनच आपलं मांस भक्षण करून राहत होते, त्याच्यातून आपली आता आपल्या धार्मिक भावना झाल्यामुळे शाकाहार की योग्य की वाईट झालं, पण आपले जे पसन संस्था आहे ॲक्च्युअल मानव जातीचे त्याला कोणता आहार योग्य आहे? क्या हो गया है की आहिस्ता 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 जैसे उत्क्रांती हुई तो मांस खाने की जो व्यवस्था है, मतलब हमारे दात है और जो गलने की संस्था है, इसको वीक बन गया, उसको सूटेबल नहीं रही. तो बाकी तो हम पहले जब पूरा आदिमानव को जाएंगे तो मांस ही खाते थे, कच्चा भी खाते थे. तो नॉनवेज खाने की व्यवस्था तो हर एक के शरीर में होनी चाहिए, लेकिन जो लोगों ने नॉनवेज बंद कर दिया क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे अभी फिर सब लोग छोड़ेंगे देखो मांस, क्योंकि मांस करते करते क्या हो गया कि मुर्गी को भी गलत खाना, गाय को भी गलत खाना, सुअर को भी गलत खाना और इंजेक्शन और ये सब दे दिया. और उनको क्या, हर एक आदमी वजन बढ़ा के पैसा ज़्यादा कमाना चाहता है ना, तो ये अंडे ज़्यादा दे इसलिए मुर्गी को कुछ दिया, और वो सब हमको तकरार कर रहा है. इसलिए अभी नॉनवेज लोग, यूरोप जैसे क्रिश्चियनिटी में जहाँ पर सब नॉनवेज खाते थे, वहाँ पर अभी 40% वेज हो गए लोग. तो हमारे यहाँ भी वेज बनेंगे क्योंकि हम ये तकरार है. लेकिन मानो के 7-8 पीढ़ी से आपके घर में किसी ने नॉनवेज नहीं खाया तो आपको फिर 7-8 साल लगेंगे डेवलप करने में वो हार्मोनल सिस्टम, जो एंजाइम्स है कि जो नॉनवेज को पकाते हैं. तो मैं अभी, हमारे घर में किसी ने खाया नहीं कितने पीढ़ियों में, अभी मैं कल अंडा खाऊंगा तो तकलीफ, मुर्गी खाऊंगा, खाऊंगा ही नहीं लेकिन तकलीफ. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. नमस्कार. हे माझ्या मुलीबद्दल मला विचारायचं, तिला असं वैयक्तिक तुम्ही विचारलं तर तुम्ही वैयक्तिक प्रश्न नका विचारू. गर्भाशयामध्ये तिला गाठ आली, म्हणजे डायग्नोस केलं सोनोग्राफीमध्ये. कशात गाठ आहे? गर्भाशयामध्ये डाव्या साईडला 4x2 cm. तर गर्भाशयाच्या गर्भाशयाच्या गाठी असतात ना, त्याला आतल्या बाजूला असली तर त्याला काही इलाज नाही, गर्भाशयात जाणार ते काढावं लागेल. हो, आणि नाही तर तुम्ही एक वर्षभर औषध घेतलं तर ती गाठ आवळत जाऊन अगदी बारीक होऊन राहील, पण ती गर्भाशयात राहील, पूर्ण जाईल असं गॅरंटी नसते त्याची, कारण तिथे पोचता येत नाही, तिथं वेगळं हे होतं. बाहेरच्या बाजूची गाठ असली तर ऑपरेशनही काढता येते आणि आपल्यालाही काढता येते बाहेरच्या बाजूने, म्हणजे औषधांनी काढता येते. तर त्याच्यावरती स्त्रियांनी हे जास्त लक्षात ठेवायचं, पाळीमध्ये आराम का करायचा, पाळीमध्ये कुठल्याही तऱ्हेचे एक्साइटमेंट्स, भांडणं हे का होऊ नयेत, पाळीमध्ये कुठले नियम का पाळायचे, याचं केवळ हे की गर्भाशय हे उत्तम राहावं आणि पाळीचे हॉर्मोन्स नीट चालावेत. हॉर्मोन्स हे मनाशी जोडले, हॉर्मोन्स ऑफ मानसिक जुडे हुए रहते हैं, मन का जो कोई भाव होगा वो हॉर्मोन के ऊपर ही काम करता है. इसलिए हॉर्मोन्स ठीक रखने के लिए औरतों को बहुत सारे 4 दिन में नियम लगा के रखे है, वो रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो आजकल अभी 16 साल की 12 साल की ऐसी लड़कियां भी आ रही है कि जो सिस्ट है, ओवरियन सिस्ट है और फाइब्रॉइड्स है और गांठ हो गई, ऐसे आ जाते हैं. तो अभी उसके ऊपर दवा अच्छी है, और जैसे मैंने कहा उसके लिए अंदर रखने के लिए एक तेल आता है हमारे यहाँ, जो दवा बेचने वाले कोने नीचे बोर्ड है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर आप ले लीजिए, वो तेल मिलता है और उसका धूप होता है. तो क्या है, वो धूप करके उसके ऊपर बैठने का और धूप अंदर से लेने का, जैसे
दवा का, तो ये दो करने से शायद वो गांठ निकल भी जाती है, गल भी सकती है. आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ. कुमारी म्हणजे कुठल्याही स्त्रीला, कुठल्याही स्त्रीला चार दिवस सुरू झाले की मरेपर्यंत घेतलं ना तर ती एकदम ठणठणीत राहणार आणि तिचं सगळं आरोग्य चांगलं राहणार. कारण गंमत अशी आहे की पाळी चांगली राहिली रे राहिली की सगळे विकार बायकांचे बरे होऊ शकतात. बायकांच्या पाळीवरच सगळं सगळं. सर, तुम्ही गर्भसंस्कार नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे ते बाळाच्या म्हणजे आधीचं असं लिहिलं आहे, तर लग्नापूर्वी मुलींनी कसं राहावं, त्यांना लग्नापूर्वी कशाला गर्भ पाहिजे? नाही सर, तसं मला म्हणायचं नाहीये, तसं मला म्हणायचं नाहीये. पूर्व प्रयत्न म्हणजे आजकाल खूप प्रॉब्लेम्स येतात स्ट्रेसमुळे, कन्सीव्ह होत नाही किंवा असे जे काही प्रॉब्लेम्स येत आहेत, तर त्याच्यासाठी काही उपाय किंवा असं पुस्तक गर्भसंस्कार मध्ये आहे ना आधी सुरुवातीचे सुरुवातीचे. ते ऍक्च्युली पुस्तक कसं की असा एक समज आहे की लग्न झाल्यावर ते कोणी गिफ्ट वगैरे देतं किंवा असं, ते असा एक समज आहे. तर नॉर्मली फॅमिली डॉक्टरमध्ये जे काही तुमचं वाचण्यात येतं ते आम्ही वाचतो. आता मी ते सगळीकडे लिहून पसरवेन की पाळीला पहिली पाळी आली ना नहाण म्हणतात तेव्हा गिफ्ट देत जा. थँक्यू सर. आणि स्त्री संतुलन म्हणून औषध असतं त्याच्यावर, तेही घे. पण म्हणजे तुम्ही त्याची माहितीच नीट करून घ्यायला पाहिजे. हा विषय आहे ना तो कधीतरी स्त्रियांशी बोलून, म्हणजे स्त्रियांपुरता मर्यादित आहे म्हणून, आणि त्यांना नीट समजून, आणि तुम्ही थोडंसं आता मॉडर्न जरी जग पुढे गेलेलं असलं ना, तुम्ही म्हणला मी मॉडर्न झालो आहे, पण तुम्हाला सांगतो केस कापले रे कापले की हॉर्मोनल डिस्टर्बन्स सुरू होतो. मग ते बायका काय ऐकतच नाहीत, म्हणतात की काय तुम्ही जुनाट कल्पना आता आम्हाला असं शिकवताय तसं शिकवताय. एक मिनिट, आपण प्रश्न नको विचारायला. आपण जर हे प्रश्न सुरू ठेवलं ना, या हॉलमध्ये प्रत्येक व्यक्ती आहे, प्रत्येकाजवळ एक प्रश्न आहे, संपणार नाही सेशन. अंकुरित अनाज खाई आहे. अच्छा, एक शेवटचा प्रश्न. कभी कभी अंकुरित अनाज जो है वो अंकुरित करके उसको सुखा के फिर उसको पाउडर करके खाएंगे तो अच्छा है. एक आखिरी क्वेश्चन जो शायद हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा. गुरुजी, आपने कहा था जब मैं वहाँ थी उस सेशन में कि हम जो पानी पीते हैं, आपने पहले ट्रीटमेंट भी की थी, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था कि पानी को संस्कारित करके फिर आप वो पानी अंदर लेते हैं, तो उसके बिहाइंड क्या साइंस है और क्यों पानी को संस्कारित करके लेना चाहिए, उसके ऊपर अगर हम सेशन क्लोज करें. सुमोटो नाम का एक साइंटिस्ट जापान में था, अभी वो मर गए बेचारे, और मतलब वो बूढ़े ही थे ऐसे, और एक मतलब मेरे तो मुँह से बेचारे निकल गया क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे थे और मर गए इसलिए, लेकिन वो उम्र हो गई. और उनके साथ एक स्विस साइंटिस्ट था, ऐसे दोनों मिलके उन्होंने ऐसे ढूंढा कि ये पानी पर संस्कार. अभी जब मैंने एक बार सकाळ में पहले लिखा था ये फैमिली डॉक्टर में, तो तीर्थ के ऊपर लिखा, तो मुझे बहुत सारे खत आ गए कि ये क्या आप धार्मिक प्रचार कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर रहे, ब्राह्मणी प्रचार कर रहे, फलाना ऐसे. तो मैं बोला कि क्यों, ये जो पानी है इसको समझ में आता है. ये मुझे कैसे पता चला कि दुनिया के जो अलग भिन्न संप्रदाय है कि जिनके विचार अलग अलग है, फिर भी सभी जगह पानी है. मतलब है आप चर्च में जाओ वहाँ होली वाटर रखा हुआ होता है, जहाँ जमजम में जाते हैं वो मुस्लिम, वहाँ मक्का में भी होली वाटर है, मंदिरों में तो तीर्थ होता ही है, घर में भी तीर्थ होता है. तो जैसे मेरा एक विचार था कि कोई भी काम बिना फायदा का मनुष्य करता ही नहीं है, तो ये सब करते हैं तो मतलब कुछ फायदा होता होगा तभी कोई करता है, नहीं तो फेंक देता है ये वस्तु. तो मैंने इस पर संशोधन शुरू किया था, बाद में ये लोगों का संशोधन मेरे हाथ में आया. उन्होंने ऐसे सिद्ध किया कि हम उसको जान सकते हैं, कैसे पानी की एक बूंद लेके -22 डिग्रीज को उसको फ्रीज करना और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे फोटो निकालना, और वो फोटो में पानी के स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और पानी को भाव है. अभी मानो कि यहाँ आप सब लोग हैं, इधर एक मैं बॉटल ऐसे टांग के रख दूँ पानी की और सबके ये सामने है, और बाद में उसके एक बूंद लेके फोटो निकालेंगे तो एक क्राउड जहाँ पर है ऐसे भाव देगा, ऐसे क्रिस्टल आएंगे. तो पानी को विचार समझ में आते हैं, पानी यहाँ रखा है तो ये पानी को हम क्या बोल रहे हैं. मानो कि ऐसे कोई बैठ के
खराब विचार करेंगे तो पानी के क्रिस्टल टूटते हैं, जैसे हिरोशिमा का पानी है वो अभी तक सुधरा नहीं है, ऐसे उन्होंने सब प्रयोग करके फोटो दिए थे, उनके पुस्तक है, आप इंटरनेट पर जाएंगे तो भी मिलेंगे। तो वो हम लोगों ने, मैंने खुद सब ये करके पानी भेज के, अपनी नदियों के पानी, गंगा का पानी, वो सब स्विट्ज़रलैंड भेज के प्रयोग किए, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ही था। और मैं तो इसमें एकदम आश्वस्त हूँ कि पानी को समझ में आता है, और ये पानी रख के कुछ अच्छे विचार करें या कोई मंत्र गाए तीर्थ हो जाएगा तो ये पिलाने से भी काम हो सकता है। तो ये एक पानी को साइकोलॉजिकल उसकी ये संस्कार है, लेकिन दूसरा क्या है, पानी को आयुर्वेद ने बताया है कि आप इसको सुवर्ण संस्कार कीजिए और उबालिए, अग्नि जो है वो पानी से अदृश्य हो जाता है। अभी आजकल क्या बिल्डिंग में सब टाकियाँ हैं जो वो अंधेरे में रहती है, पानी को सूरज दिखता ही नहीं है, प्रवाहित पानी नहीं है वो। नदी का पानी अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि वो सूरज का प्रकाश पड़ता है। तो ये पानी जो है हम लोग पीते हैं और वो ठंडा पानी पीते हैं तो वो तकलीफ करता है, इसको उबाल के पीजिए। जैसे बाटली भी लाएंगे कोई कंपनी की, तो हम तो बाटली ला के उबालेंगे उसको और फिर पियेंगे। अभी घर से हम लोग, इस बार तो मैं फ्लाइट में आया था तो ज़्यादा पानी नहीं लाए, नहीं तो वाटर कैन भर के ही ले जाते गाड़ी में, क्योंकि वो उबला हुआ पानी हर जगह कहाँ मिलेगा। तो उबाला हुआ पानी जो है, आयुर्वेद कहता है कि आधा घटाया हुआ, मतलब आपने उसको पानी को रख दिया और आधा घटाया तो दवा जैसा काम करता है। और काढ़ा बना लिया, मतलब एक चतुर्थांश उसको, एक लीटर पानी का 250 मिलीलीटर कर लिया तो वो एकदम हर एक रोग पर काम करेगा। तो एक पानी का ये व्याख्या। और दूसरी क्या है, सुवर्ण सोना जो है वो पानी में उबालना, वो कम नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक सोने का खाली आपका पत्रा जो है वो बनवा लीजिए और पानी के साथ उबालिए। हम लोग उसको करते हैं और आयुर्वेद ने तो पूरा बताया है कि फिर उसके अंदर यदि आप जो सो ये वेटिवेयर है ना, क्या बोलते हैं, वाड़ा, खस खस है, चंदन है, मंजिष्ठ है, सूंठ है, ऐसी थोड़ी सी वनस्पति किंचित डाल के पानी उबालेंगे। हमारे आश्रम में पूरा पानी जो है वो सुवर्ण सिद्ध जल ही करते हैं, और कैंसर के लिए भी सुवर्ण सिद्ध जल अच्छा काम किया है, ऐसे किसी ने प्रयोग किए हैं। तो ये पानी जो है वो बहुत बीमारियां लाता है, क्योंकि हम तो कहाँ वहाँ का पानी, और ऐसे पानी करके चर्चा 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 झगड़े की कुछ विषय पर का कोई काम, पीने पानी पीते बाद में वो पानी भ्रष्ट हो जाता है एकदम, उसके विचार खराब हो जाते हैं। पानी पीना है, और ये पानी की शुद्धता है वो विचारों की, और पानी की शुद्धता उसके अंदर अग्नि जो है वो उबालने से बढ़ती है, और ये वस्तु डालने से और सुवर्ण सिद्ध जल से बढ़ता है। तो कृपा करके, ये एक आसान है, फुकट की दवा है, उसके अंदर सोना गलता नहीं है। दूध में सोना उबालोगे तो सोना कम हो जाएगा, दूध में रोज़ सोना थोड़ा 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 कम हो जाएगा, लेकिन पानी में सोना कम नहीं होता। तो आप सोने का एक बना लीजिए पत्रा छोटा सा, 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे ठोक के, और उसको लटका के रखने का पानी में, जब उबलता है पानी, और उबाल के ही पानी पीजिए, देखिए घर का स्वास्थ्य ही चेंज होता जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी थोड़े दिन में आपको महसूस होगा कि ये सब इन्फेक्शन आते हैं, कहीं बाहर जाते हैं आँखों में, ब्रोंकियल ये सब है, फ्लू आता है, ये सब कम हो जाएगा, कम मतलब आएगा नहीं। तो ये पानी उबाल, यही बात थी ना। ओके, पानी वो सब जंतु के साथ, वो मटेरियल चेंजेस, वो अंदर फिल्टर, कचरा निकालना, फिर आरओ में कई ये मिनरल निकाल दिया, वो निकाल दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, उबाल लो पानी। आज तक ये मशीन तो अभी 15 साल 20 साल हुए, उसके पहले थे क्या, तो इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी। हाँ, पानी स्टील का भांडा टुकड़ा होगा। प्रॉब्लम ऐसा है, तांबे के बर्तन में पानी पियो या चांदी के बर्तन में अच्छा है, चांदी तो सबको महंगी पड़ेगी। अब ये जो है पानी तांबे के बर्तन में लेंगे तो उसको ऑक्सीडाइज जल्दी होता है, तो साफ करने में यदि ध्यान नहीं दिया तो वो काला अंदर जाएगा पेट में, इसलिए स्टील अच्छा है उबालने के लिए। थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स। यहाँ उपस्थित सभी का मैं मन से आभार मानती हूँ। चिटनविस सेंटर, SGR नॉलेज फाउंडेशन एंड रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनके प्रयास से अभी हमारे 12 सेशंस कंप्लीट हुए हैं। मैं बालाजी तांबे सर का मन से धन्यवाद मांगती हूँ कि हम सबके लिए
मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ सवाल जवाब सब हो गए, अभी इसके बाद यहाँ आके मुझे फिर सवाल मत पूछिए। और आइए डॉक्टर, आप कहेंगे तो मैं कोई डॉक्टर यहाँ भेज दूंगा और एक शिविर आप करो और जितना कोई इंडिविजुअल चेकिंग है वो करवा लो, लेकिन अभी यहाँ बैठ के, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल बीमारियाँ जो है वो सब एग्जामिनेशन के बिना कुछ दवाई नहीं दे सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, खाली चर्चा का विषय, और अभी मैं थक गया हूँ। कृपया सेल्फी भी निकालने के लिए अवॉइड कीजिएगा, हो सके तो ना निकाले तो बेटर है। और थैंक यू सो मच, मैं आभार मानती हूँ सुनील रायसोनी जी का कि उनके प्रयास से आज हमने यहाँ पे 12 सेशंस कंप्लीट किए हैं। January 1st से ये शुरू हुआ था और अभी 12 सेशन हो रहे हैं, नेक्स्ट इसमें सेशंस की सीरीज चलती ही रहेगी। कल आप सब लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ कि देशपांडे हॉल में 5:30 बजे एक मराठी प्ले है, आप सब वहाँ आइए, वो भी फ्री है। श्री बालाजी तांबे जी, काकू नमिता दीदी एंड भाग्यश्री जोपे दीदी, इन सबका मैं आभार मानती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया, कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन किया और आज हम लोग यहाँ ये सेशन कर पाए। चिटनविस सेंटर का मन से आभार, क्योंकि नॉलेज सीरीज़ के सेशंस रायसोनी ग्रुप, SDR नॉलेज फाउंडेशन और चिटनविस सेंटर, ये तीनों चीज़ें अभी जुड़ गई हैं, तो हमारे अगले सेशंस भी ऐसे ही चलते रहेंगे एंड आप सब लोगों के लिए ये फ्री रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। मैं भी आपका आभारी हूँ, आपका सबका ऐसा।